मैडम मीनाक्षी, चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। आज की इस परिचर्चा में, सघन परिचर्चा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कृपया अपना माइक म्यूट पे कर लीजिएगा, क्योंकि फिर ओवरलैप होगा तो फिर दिक्कत होगी। आज की इस परिचर्चा में हार्दिक अभिनंदन स्वागत है आप लोगों का। और ये विषय आज का बहुत महत्वपूर्ण है, इस अर्थ में कि क्योंकि जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के द्वारा, उसमें संस्कृत के जो विषय हैं, पाठ्यक्रम हैं, उनको किस तरह से नए सिरे से परिभाषित किया जाए, उनकी पुनः संरचना की जाए, उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाए, क्योंकि पिछले लगभग 70-75 वर्ष से जो सिलेबस हम पढ़ाते आ रहे हैं, ये मौका है कि हम उसमें अभीष्ट परिवर्तन लाएं और उसको समय के अनुकूल और आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने का प्रयास करें। तो इसीलिए आज का जो हमने ये विषय रखा है, बीए और बीएससी में संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम की पुनः संरचना, और ये इसलिए है क्योंकि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने अपने यहाँ पर नवीन जो शिक्षा नीति है उसको लागू किया है। अब इसमें आप जो सीधे सीधे हम विषय पे आ रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि हम समय व्यर्थ ना करें, इधर उधर की बात ना करें, तो विषय की अपेक्षाएं जो हैं, आज का जो हमने ये विषय चुना है उसकी अपेक्षाएं आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहली अपेक्षा तो ये है कि जो भी हम विषय सजेस्ट करें, सुझाव दें, पाठ्यक्रम का पुनर्निर्माण करें, उसके तीन ये आधार होने चाहिए जो कि आप एक्स एक्सिस पे देख पा रहे हैं। एक तो वो शास्त्र पर आधारित हो, दूसरा जिसे हम नॉलेज सिस्टम कहते हैं, दूसरा उसमें रीजनिंग या युक्ति जिसे हम कहते हैं वो अवश्य होनी चाहिए कि युक्ति क्या है उसकी, और आपका अनुभव क्या कहता है, ये तीसरा पक्ष है। तो नॉलेज सिस्टम, रीजनिंग और एक्सपीरियंस के आधार पर एक पक्ष जो है वो पाठ्यक्रम का होना चाहिए, उस पर हमें मूल्यांकन करना चाहिए। दूसरा, आप वाई एक्सिस पे नीचे देख रहे हैं कि जो भी पाठ्यक्रम का उसकी उपयोगिता, उसकी सार्थकता, उसकी संगतता और उसकी व्यवहार परकता, ये चार अलग से पैरामीटर्स हैं, उसके ऊपर पाठ्यक्रम को हमें मूल्यांकित करना चाहिए, जिसको यूटिलिटी, मीनिंगफुलनेस, रेलेवेंट और अप्लाइड इन नेचर जो है, ये चार उसके अलग पैरामीटर्स हैं। तो पाठ्यक्रम का कोई भी पाठ्यक्रम हो, संस्कृत का हो या कोई और विषय का हो, उसमें ये सात चीजें मुझे लगता है बड़ी आवश्यक हैं और इनको हमें देखना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए। अब जो यहाँ पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं वो ये है, एक तो है जो पाठ्यक्रम पीछे से चला आ रहा है उसी को हम अग्रसर करें, जैसा कि अभी किया गया है। होना ये चाहिए था कि जो बोर्ड ऑफ स्टडीज थी उसको नवीन शिक्षा नीति के अंतर्गत लोगों को बुलाना चाहिए था, उनके सुझाव लेने चाहिए थे और उसमें अभीष्ट परिवर्तन करने चाहिए थे जो कि होलिस्टिक और इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन के अनुकूल होते, लेकिन मुझे लगता है ऐसा कुछ किया नहीं गया और जैसा सिलेबस था वैसे का वैसा ही उसको लागू कर दिया गया है। तो इस सारे पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए मैं आपके साथ अगले 5-7 मिनट और 2-3 बातें करूंगा, और फिर उसके बाद ये हाउस जो है, ये सदन खुला है चर्चा के लिए, आप लोग अपने अपने सुझाव दे सकते हैं। तो आज के वैसे हमारे जो अध्यक्षता करने वाले थे डॉक्टर दिनेश शास्त्री जी, किसी कारणवश वो हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, ठीक है, हम उनको इसकी जो जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी वो उनको हम भेज देंगे। तो कार्यक्रम हमारा रहेगा कि शुरू में जो है वो हमारी प्रस्तुति रहेगी, उसके बाद सघन चर्चा रहेगी, ब्रेनस्टॉर्मिंग जिसे कहा जाता है, और अध्यक्षीय वक्तव्य को हम समाप्त कर देते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है, और उसके बाद कंक्लूड करके आप में से कोई भी कंक्लूड करेगा इस चर्चा को, और उसके बाद धन्यवाद ज्ञापन जो है डॉक्टर विनय सिंघल जी करेंगे। चलिए सीधे विषय की ओर अग्रसर हो रहे हैं। देखिए, संस्कृत पाठ्यक्रम से हमारे कुछ एक सवाल है, वो क्या है कि संस्कृत पाठ्यक्रम का ध्येय लक्ष्य क्या आजीविका प्राप्ति और आत्मशंसी करना है, क्या ये
विषय हैं दो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण। आत्मशंसी का मतलब है सेल्फ एस्टीम, क्योंकि ऐसी संस्कृति जो है कई बार हमें खुद को नहीं पता लगती, लेकिन सेल्फ एस्टीम इसका पर्यायवाची है। और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि मैंने 18 जो हैं वो आप लोगों को प्रश्न किए हैं कि क्या जो वर्तमान कालिक पाठ्यक्रम है संस्कृत विषय का, उसमें उपयोगिता है, उसकी सार्थकता है, प्रासंगिकता है, वर्तमान परिस्थितियों के प्रति अनुकूलता, यथार्थ परकता, आजीविका, वैचारिकता, जीवन दृष्टि, जीवन पद्धति, छात्रों के प्रति जवाबदेही, छात्रों का व्यक्तित्व निर्माण, संस्कृत की औद्योगिक और सामाजिक प्रतिष्ठा, संस्कृत की उपलब्धियां, रुचिरता, आकर्षण, स्मार्ट एवं डायनेमिक, अग्रसरता और परिवर्तनशीलता के साथ साथ क्या उसकी मार्केट डिमांड है। ये 18 जो हैं ये पैरामीटर्स हैं इस पाठ्यक्रम को जानने समझने के लिए और जो आगे हम प्रपोज करेंगे। तो इसलिए इस चीज को आप ध्यान में रखें कि इस सारे संदर्भ में हम आगे की बातचीत करेंगे। आगे की बातचीत करने से पहले मैं आपको बताऊं कि जो पहले बोर्ड ऑफ स्टडीज अंडर ग्रेजुएट की जो हुई थी उसमें ये निर्णय लिया गया था कि उसमें एक खुली बैठक में कि लोगों से सुझाव मांगे जाएं कि क्या परिवर्तन किए जाना चाहिए, और उसके अनुसार हमने एक पत्र निकाला था सभी संस्कृत के अध्यापकों को 5 मार्च 2011 में, लेकिन उस पर किसी संस्कृतज्ञ के कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे। और उसका मैं कुछ एक बातें आपको बताना चाहता हूं कि उसमें ये मांगा गया था मीटिंग के अनुसार, प्रोसीडिंग्स आप सभी लोग देख सकते हैं उसमें, कि ये जो सेमेस्टर सिस्टम में बीए और बीएससी लगी है इसमें सारे के सारे संस्कृत विषय को थ्योरी और प्रैक्टिकल में बांट दिया जाए। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं ऊपर की ओर कि थ्योरी में किस तरह से पढ़ाया जाएगा कि आप मनोविज्ञान का विषय पढ़ाएंगे, उसको समस्या संदर्भित किया जाएगा कि मानवीय व्यवहार का अध्ययन जो है वो शास्त्रों के अनुसार किया जाएगा, उसके लिए आप पाठ्य सामग्री कहाँ से संकलित करेंगे, शिव संकल्प सूत्र से, योग सूत्र से और अन्य सारे विषय, ये केवल उदाहरण है, और उसका लाभ क्या होगा या उपयोगिता क्या व्यवहार में उसका उपयोग हो सकता है, और उसके अंक कितने होंगे, 20 अंक का वो होगा। इसी तरह प्रबंधन मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं, समस्या के संदर्भ में ये सारा विषय होगा, और वो उसके महाभारत से हम लेंगे उसका सारा विषय सामग्री जो है, या अन्य विषयों से, पंचतंत्र से भी आप ले सकते हैं, और फिर उसका आगे उपयोग आप बताएंगे और 20 नंबर का वो लगा देंगे। इसी तरह आयुर्वेद, मानवाधिकार, ये सारे विषय हमने कहे थे कि इनकी जो सैद्धांतिक पक्ष है उसको हम पढ़ाएं। साथ ही साथ उसके बाद जो प्रैक्टिकल करने थे, प्रैक्टिकल को भी आप देखिए कि प्रैक्टिकल में आप क्या करेंगे कि शब्द रूप जैसे है, व्याकरण आपने पढ़ाना ही है, लेकिन बच्चा व्याकरण पढ़ करके उसको कंप्यूटर में टाइप करके पावर पॉइंट या वर्ड में आपको वो देगा, और उसमें आप क्या मूल्यांकन करेंगे, उसकी शुद्धता, उसकी प्रस्तुति की सौष्ठवता आदि का मूल्यांकन करेंगे। मनोविज्ञान में आप क्या करेंगे प्रैक्टिकल कि आप व्यक्तित्व विश्लेषण के प्रश्न बनाएंगे, सर्वे करेंगे लोगों का और फिर निष्कर्ष प्रस्तुति देंगे। इसी तरह फिर प्रोजेक्ट बनाएंगे, औषधि संकलन करेंगे अगर आप आयुर्वेद का विषय लगाते हैं, और उसकी फाइल आदि बनाएंगे। इस तरह के थ्योरी और प्रैक्टिकल इस सारे विषय को बांटा गया था और इसके आधार पर ही सुझाव मांगे गए थे, लेकिन सुझाव तो कोई आए नहीं और ये सारी की सारी बातें जो हैं वो ठंडे बस्ते में चली गई। अब यहाँ पर हम थोड़ा से प्रश्न और ले लें। हम संस्कृत के ज्यादातर लोग हैं, अन्य विषयों के भी लोग हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस के लोग हैं, वो आपको बताएंगे कि संस्कृत का कहाँ कहाँ और प्रयोग हुआ है और उसको हमें लागू करना चाहिए अपने पाठ्यक्रमों में। तो सबसे पहला विषय तो यही है कि वयम संस्कृतानुरागिणा स्वात्मार्थे कीदृक् विधम भावी जीवनोत्कर्षम भावयामः, कि किस तरह का भावी जीवन हम लोग चाहते हैं, what kind of future do we want? दूसरा है what do we want to sustain for whom and for how long? तीसरा प्रश्न है, इन प्रश्नों को ध्यान में रखेंगे तो 2050 के हिसाब से हम आज निर्णय करने जा रहे हैं कि हमारे सिलेबस कैसे हो, पाठ्यक्रम कैसे हो। तीसरा प्रश्न है what does our thinking have to do with our current reality and our ability to
और जो हमारा यथार्थ है उससे क्या संबंध है। और चौथा प्रश्न है कि व्हाट डज अवर एजुकेशन हैव टू डू विद अवर थिंकिंग, हमारा जो वर्तमान कालिक शिक्षा व्यवस्था है उसका हमारी वैचारिकता से क्या संबंध है। अब इसमें हमने दो सर्वे किए थे, मैं सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारी बातों करने के लिए, इस सारे सेमिनार वेबिनार को आयोजित करने के लिए बहुत मेहनत लगी थी। ये हमने लगभग 2010 में ये जो है सर्वे किया था, तब हाथों से ही करना पड़ता था, एक एक के पास जाकर के हमें पूछना पड़ता था, और उसमें 13 कॉलेजेस के जो 300 से अधिक जो अध्यापक और स्टूडेंट्स थे उनसे हमने चर्चा की। उसके ये आंकड़े हैं, आप प्रश्न देख सकते हैं कि आप प्रचलित नहीं कहने वाले 95 केवल 5%, और उसमें दूसरा प्रश्न था, मैं सारे प्रश्न नहीं पढ़ने जा रहा क्योंकि मैं अभी आगे आपको और कुछ मटेरियल दिखाना चाहता हूं, कि क्या आप संस्कृत पाठ्यक्रम का नवीनीकरण चाहते हैं। सभी का उत्तर था हाँ, एक मत में एक स्वर में हाँ था। इसी तरह से अन्य सारे प्रश्न हैं, मैं उन प्रश्नों पे नहीं जा रहा। आप देखें कि कुल मिलाकर के ये 21 प्रश्न हमारे पास थे, और इन प्रश्नों के आधार पे हमने 13 कॉलेजेस का सर्वे किया था, और उसका हमने ये निष्कर्ष निकाला था जो कि हमने संस्कृत डिपार्टमेंट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को सबमिट भी किया, उसके बाद प्रेजेंटेशन भी दी, लेकिन वहाँ हमें ना तो अपेक्षित समर्थन मिला ना कोई उत्साह दिखाई दिया, कि क्योंकि हम पिछले 75 साल से अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ा रहे हैं तो उसी को पढ़ाएंगे, हम जो है वो हर्षचरित या पंचतंत्र का जो पक्ष वही पढ़ाते रहेंगे, शिवराज विजय है तो पिछले कम से कम 35 साल से तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें तो अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और ना ही ये मैं बता पाया कि भाई इसका आपने उपयोग क्या करना है किसी छात्र को बता पाया। लेकिन कोई बात नहीं, अगर अब भी मौका मिलता है तो हम उसको देखें। चलिए, उसके बाद हमने दोबारा इस सर्वे को अभी पीछे किया था, जिसमें आप देख सकते हैं कि 1525 लोगों का हमने ये रिस्पांस लिया, ऑनलाइन लिया था, जिसमें अध्यापक विद्यार्थी जन सामान्य ये और प्रशासनिक अधिकारी वगैरह शामिल हैं, और उसमें कितनी सारी स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश हरियाणा से लेकर के आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश तक के लोगों के उत्तर हैं, और अभी भी वो उत्तर आ रहे हैं, वो मैं अभी इसके बाद आपके साथ लिंक शेयर करूंगा, यदि आप डाटा अपना फीड करना चाहें तो आप उत्तर दे सकते हैं। अब आप उसमें देखिए प्रश्नों को बस ध्यान रखिए, बाकी तो आप छोड़ दीजिए इस सारे डाटा को, कि क्या आप संस्कृत के प्रचलित पाठ्यक्रम से संतुष्ट हैं, क्या आप प्रचलित संस्कृत पाठ्यक्रम का नवीनीकरण चाहते हैं, क्या संस्कृत का प्रचलित पाठ्यक्रम बाजार की अपेक्षाओं के अनुकूल है, क्या संस्कृत के पाठ्यक्रम में अभीष्ट परिवर्तन करके संस्कृत को रोजगारोन्मुखी बनाया जा सकता है, क्या वर्तमान पाठ्यक्रम आधुनिक समस्याएं समझने और सुलझाने में किसी भी प्रकार सहायक है, क्या संस्कृत अध्यापकों की छात्रों के प्रति आजीविका के संबंध में कोई नैतिक उत्तरदायित्व है, क्या संस्कृत विद्यार्थियों को संगणकीय संस्कृत शिक्षा कॉम्पिटेशनल संस्कृत जिसे कहते हैं अपेक्षित है, क्या प्रायोगिक संभाषण कक्षा के माध्यम से संस्कृत संभाषण दक्षता का संपादन हो सकता है। केवल प्रश्न देखिए, उत्तरों को भी छोड़ दीजिए क्योंकि फिर समय लग जाएगा और चर्चा का समय कम हो जाएगा। क्या प्रति व्यक्ति संस्कृत शास्त्र आधारित वनस्पति शास्त्र को पढ़कर पर्यावरण संरक्षण में सहायक हो सकता है, एनवायरमेंटल में लगना चाहिए कि नहीं, क्या संस्कृत ग्रंथों के माध्यम से पाठ्यक्रम के सभी विषयों का अध्ययन व अध्यापन संभव है, जैसे कि मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, मानवाधिकार, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि, क्या वर्तमान कालिक संस्कृत पाठ्यक्रम से नैतिक समाज का निर्माण किया जा सकता है, क्या प्रत्येक व्यक्ति संस्कृत शास्त्र आधारित मानवाधिकार विषय को पढ़कर सर्वकार्य अर्ध सर्वकार्य एनजीओ की परियोजनाओं में सहयोगी हो सकते हैं, एनजीओ में क्या के वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स के नहीं कर सकते, क्या संस्कृत का सूचना प्रौद्योगिकी, भाषा प्रौद्योगिकी व जनसंचार प्रौद्योगिकी से संबंध होना चाहिए, हाँ जो है वो 93% लोग हाँ कह रहे हैं होना चाहिए, लेकिन प्रयास कभी किसी ने कोई नहीं किया कि कैसे उसके साथ हो। चौथा प्रश्न था कि क्या आज तक संस्कृत पाठ्यक्रमों में परामर्श पद्धतियों के कोई तकनीक अपनाई गई, काउंसलिंग जिसे हम कहते हैं,
साइकोलॉजी वाले काउंसलर्स बनते हैं, बाकी लोग काउंसलर बनेंगे, लेकिन संस्कृत के जहां पर 5 प्रकार की काउंसलिंग की पद्धतियां हैं, लेकिन वो हम प्रयोग में कभी नहीं लाएंगे और उसका हम कभी व्यवहार नहीं करते। क्या प्रति व्यक्ति आयुर्वेद के माध्यम से प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड करना हम सिखा सकते हैं? क्यों नहीं करते? अगर है तो हमने क्यों नहीं किया? 16वां क्वेश्चन था, क्या व्यवहारिक योग शिक्षा पाठ्यक्रम में सम्मिलित होनी चाहिए? फिजिकल एजुकेशन वाले पढ़ाएंगे, लेकिन हम नहीं पढ़ाएंगे कि योग शास्त्र में क्या पढ़ना चाहिए और उसका प्रैक्टिकल क्या होना चाहिए। क्या संस्कृत अध्यापक अपनी संस्कृतियों संततियों को संस्कृत पढ़ाते हैं? ये चुभने वाला सवाल है। क्या संस्कृत का पाठ्यक्रम संस्कृत विद्यार्थियों में समाज का नेतृत्व करने के कौशल में सहायक है? कि क्या सोशल लीडरशिप हम डिवेलप कर पा रहे हैं अपने छात्रों में, या केवल उनको ये कहते हैं कि नंबर बड़े अच्छे आ जाएंगे और तुम अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे, इतने से ही हम अपना काम चला रहे हैं। 19वां सवाल है कि क्या वर्तमान संस्कृत पाठ्यक्रम छात्रों के व्यक्तित्व विकास में कोई हमने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का संस्कृत शास्त्रों के आधार पर कोर्स डेवलप किया, कभी किया, या उसका कोई प्रशिक्षण देने का काम किया? 20वां सवाल था कि क्या आप विज्ञान और उद्योग के युग में संस्कृत शिक्षण की 70 वर्षों से प्रचलित पद्धतियों का संयोजन कर सकते हैं, कि जो चेंजेस आ रही हैं मार्केट में, इंडस्ट्री में, उसके हिसाब से क्या हमारे संस्कृत सिलेबस कहीं पर रेलेवेंट हैं या नहीं है? और 21वां सवाल था कि क्या आपने भगवद गीता या अन्य दार्शनिक संप्रदायों के आधार पर ज्ञान प्रबंधन नॉलेज मैनेजमेंट सीखा या प्रबंधन किया या स्वयं उसका कभी प्रयोग किया? और 22वां सवाल था कि क्या संस्कृत पाठ्यक्रम को सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक स्तर पर विभाजित कर पढ़ाया जाना चाहिए? इसके लिए भी आप देखें तो 90% से ऊपर लोगों ने इसका उत्तर दिया हुआ है। बहुत जल्दी समाप्त कर रहा हूं मैं, 2-3 मिनट और लूंगा आपके, क्योंकि ये प्रश्न अगर आप लोगों के पास होंगे तो आप उस तदनुकूल आप अपने सुझाव और अपने जो विश्लेषण है और अपनी टिप्पणियां आलोचना कर सकते हैं। क्या आप प्रत्येक संस्था में संस्कृत भाषा प्रयोगशाला, संस्कृत लैंग्वेज लैब जिसे हम कहते हैं, कम से कम मैंने अपने कॉलेज में जो है 10 साल से ज्यादा जो है संस्कृत लैब का यूज किया, लेकिन अब मैंने वो छोड़ दिया क्योंकि उसमें बहुत सारी अब कठिनाइयां आने लगी थी बार बार जो है वो, क्योंकि लोग मुझसे पूछते हैं कि सिलेबस में तो है नहीं और आप संस्कृत लैब को लैंग्वेज लैब को यूज कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ी एक कठिनाई वाला बात हो जाती है। 24वां सवाल है कि क्या आपने द्वितीय संस्कृत आयोग को अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव या नई योजना या मंतव्य भेजा है? कोई प्रपोजल आपने जो है संस्कृत कमीशन को भेजा हो? और अंतिम जो सवाल था कि क्या आपने कभी कोई संस्कृत शास्त्र आधारित सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक आदि नीति निर्माण करके भारत सरकार व राज्य सरकार को प्रस्तुत किया है? जब हम दावा करते हैं कि इसमें पॉलिटिकल साइंस भी है, इसमें सोशल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी है, तो भाई उसका कोई बना करके आपने कोई गवर्नमेंट को, किसी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम, किसी डिपार्टमेंट को या किसी और यूनिवर्सिटी को आपने कोई सिलेबस भेजा, कोई उसका मटेरियल भेजा कि वो लगाएं उसमें, कोई प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र में कोई लगाएं, कुछ ऐसा आपने किया? अगर नहीं किया तो फिर आपने संस्कृत के साथ क्या किया? और अंतिम बात मैं कह करके आप लोगों को आमंत्रित कर रहा हूं कि ये हम लोगों ने प्रपोजल दिए थे, तब भी प्रेजेंटेशन भी दी, वीसी को भी प्रेजेंटेशन दी, डिपार्टमेंट में भी प्रेजेंटेशन दी, अन्य आयोजन करके भी प्रेजेंटेशंस दी थी कि ये जो है ये इस तरह से सिलेबस बनने चाहिए। सिलेबस में क्या है कि ऊपर जो है वो वैचारिक और सैद्धांतिक पक्ष हो, जैसे कि आप ये देखिए कि यहाँ पर जो फर्स्ट सेमेस्टर है बीए का फर्स्ट ईयर में, उसमें 6-6 पीरियड हमने दिए हैं। 6 पीरियड जो है वो आपके थ्योरी के होंगे, 6 पीरियड प्रैक्टिकल के। थ्योरी में आप क्या कराएंगे, जैसे अंतःकरण विज्ञान पढ़ाएंगे, संकलित करेंगे उसको विभिन्न शास्त्रों से, और ये हमने कर रखा हुआ है और आप लोगों के साथ हम इसको साझा कर सकते हैं। और साथ ही आप संस्कृत साहित्य का इतिहास पढ़ाइए, और प्रायोगिक पक्ष में आप संगणकीय संस्कृत जो है कंप्यूटेशनल संस्कृत पढ़ाइए, उसमें शब्द रूप बच्चों को दीजिए, पावर पॉइंट दीजिए, आदि आदि आप इन विषयों को दीजिए, ठीक है? तो 50 नंबर का वो हो गया, 40 नंबर का आपका प्रैक्टिकल हो गया, और 10 नंबर इंटरनल असेसमेंट के हो जाएंगे। इसी तरह सेकंड सेमेस्टर है उसमें हम क्या पढ़ाएंगे,
समाज विज्ञान ये चला नहीं आगे। हाँ, समाज विज्ञान, औषधि विज्ञान, मानवाधिकार, इनका जो संस्कृत शास्त्रों से लिया हुआ मटेरियल है वो हम पढ़ाएंगे 50 नंबर का। 40 नंबर का जो संस्कृत सॉफ्टवेयर है उसमें हम अनुवाद, प्रबंध आदि करेंगे। कोई पेपर यूज करने की जरूरत नहीं, सारा का सारा कंप्यूटराइज्ड होगा और ऑनलाइन होगा। संस्कृत का जितना काम हम करेंगे वो सारा का सारा ऑनलाइन जाएगा, ताकि वो उसका प्रचार प्रसार भी हो। इसी तरह सेकेंड ईयर में, थर्ड सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस और एनवायरमेंटल साइंस हमने प्रपोज की थी, और उसी तरह से प्रायोगिक पक्ष में कंप्यूटेशनल संस्कृत में उसको सारे को हमने लगाया है। जल्दी से मैं खत्म कर रहा हूँ। इसी तरह से जो फोर्थ सेमेस्टर है उसमें ज्योतिष, आयुर्वेद और व्यक्तित्व विकास, और साथ में प्रायोगिक संभाषण कॉलेज कौशल और संगणकीय संस्कृत, ये लगाया था। फिफ्थ सेमेस्टर में दर्शन शास्त्र और साहित्य शास्त्र का एप्लीकेशन, कि साहित्य शास्त्र के आधार पर आप आज की जो मूवीज हैं उनके ऊपर टिप्पणी करें, उनका मूल्यांकन करें आदि आदि, और उसके प्रायोगिक कौशल आदि लगाए हुए थे। और जो सिक्स्थ सेमेस्टर है, लास्ट सेमेस्टर, उसमें मैनेजमेंट, आर्थिक विचार, इकोनॉमिक थॉट्स क्या है, वैज्ञानिक और अवधारणाएं, और धर्मशास्त्र आधारित कर्मकांड आदि वो लगाया हुआ था, और उसको भी इसी तरह से डिवाइड किया हुआ। और इसी तरह से जो है वो बीएससी के सेकंड ईयर में जो लगता है उसके सेमेस्टर में तर्क संग्रह, मानवाधिकार, और फोर्थ सेमेस्टर में जो है मनोविज्ञान और आयुर्वेद आदि, ये लगाए हुए थे। तो कुल मिलाकर के ये हम लोगों ने प्रपोजल कई बार दिया, लेकिन सिस्टम के साथ माथा मारना बड़ा मुश्किल होता है, उसके साथ उसको कन्विंस करना बड़ा मुश्किल होता है। अपने अपने प्रेजुडिसेस होते हैं, अपने अपना जो है बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो इसलिए वो हम कभी बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाए इसको परस्यू ज़्यादा करने में। लेकिन निश्चित रूप से हमने बीसी को, कुरुक्षेत्र के बीसी को भी ये प्रेजेंटेशन दी, अन्य जगह पे भी इन प्रेजेंटेशंस को दिया। इवन जो मानवाधिकार का कोर्स हमने डिज़ाइन किया था वो हरियाणा जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसके आगे भी हमने वो प्रस्तुति दी, और उन्होंने इसको स्वीकार भी किया, और कार्यशाला उन्होंने रोहतक में लगाई थी, उसमें भी हमें बुलाया कि आप अपना प्रेजेंटेशन वहां दीजिए, और वो दिया। इसी तरह से और कई जगह जो है वो प्रेजेंटेशन दी। तो कुल मिलाकर के एक्सेप्टेंस तो है, लेकिन ऑफिशियली इसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करते। ऑफिशियली ये सारी चीजें एक ही जगह पर लागू हुई हैं, वो जालंधर में जो ऑटोनमस कॉलेज है, कन्या महाविद्यालय, वहां पे डॉक्टर नीरज शर्मा है, उन्होंने साहस करके इन विषयों को लगाया है, उन्होंने सारी संस्कृत को थ्योरी और प्रैक्टिकल में बांट दिया है। तो अब उनके जो विद्यार्थी हैं थ्योरी और प्रैक्टिकल ये दो चीजें करते हैं। हालांकि बड़ा मुश्किल हुआ था उनको भी ये कार्य करने में, क्योंकि सहयोग और समर्थन और निर्देश मिलना जो है वो बड़ा कठिन था। तो लेकिन वो वाकई प्रशंसा के पात्र हैं कि सारे भारत में केवल एक ही जगह पर संस्कृत जो है थ्योरी और प्रैक्टिकल में है, लेकिन किसी यूनिवर्सिटी में थ्योरी और प्रैक्टिकल के रूप में ये नहीं आती। हालांकि उम्मीद करते थे कि ये जेएनयू वगैरह में होगा, क्योंकि कंप्यूटेशनल संस्कृत वगैरह के विषय वहां पर हैं, लेकिन वहां पर भी किस प्रकार से हैं ये मुझे मालूम नहीं है। तो लेकिन कुल मिलाकर के ये सारी चर्चा थी जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता था, कि ये होलिस्टिक एजुकेशन और जो इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन है उसमें हम सब कहाँ खड़े होते हैं, और किस तरह से हम अपनी बात को प्रस्तुत करें ताकि उसमें अभीष्ट परिवर्तन आए। तो ये हाउस जो है, ये सदन अब खुली चर्चा के लिए आप सभी के लिए प्रस्तुत है। आप अपनी बात बता सकते हैं, जो आप महसूस करते हैं, लेकिन बस इतनी ही मर्यादा का ध्यान रखें कि बात संक्षिप्त हो, सटीक हो, लंबा भाषण ना हो, और अपना परिचय दे करके आप अपने सुझाव हमें दे सकते हैं। आप में से जो भी बोलना चाहे, क्योंकि ये बिल्कुल खुला मंच है, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले मुझे लगता है डॉक्टर रविंद्र कुमार गुप्ता जी, जो कि पॉलिटिकल साइंस के अधिकारी विद्वान हैं, और साथ ही साथ गीता और पॉलिटिकल साइंस, इन दोनों के विषयों के ऊपर उनकी महारत है, और प्लस उन्होंने जो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट हुई थी उसमें संस्कृत कहाँ कहाँ प्रयोग की गई और किस रूप में
संदर्भों में प्रयुक्त की गई उसके ऊपर उनका महारत है और उस पे इन्होंने बहुत काम किया है और मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो अपने इस विषय को प्रस्तुत करें। धन्यवाद आशुतोष जी। पहले तो आपको बधाई देना चाहूंगा कि जो आपने आज चर्चा का विषय लिया है और बड़ी स्पष्ट रूप से, मेरा किसी पर आरोप नहीं है सर, लेकिन सीधी स्पाट बात करना चाह रहा हूं आज मैं। दिक्कत क्या आ रही है, मुझे जो लग रहा है कि जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है उसका उद्देश्य तो है इंटरडिसिप्लिनरी, लेकिन किसी भी स्तर पर मुझे नहीं लगता कि कॉलेजों में या विश्वविद्यालयों में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के ऊपर चर्चा होती हो। जैसे फॉर एग्जांपल विनय जी साथ ही हैं इसलिए आरकेएसजी कॉलेज की मैं बात कर सकता हूं, वहां का एक्सपीरियंस भी है। हम कभी भी नहीं बैठे कि भाई क्या कुछ ऐसा है कि जो भारतीय संविधान में है। अभी आपने जैसे मानवाधिकार की बात कही, मानवाधिकार हम भी पढ़ाते हैं पॉलिटिकल साइंस वाले, हम भी मौलिक अधिकार पढ़ाते हैं बीए से लेकर एमए तक, लेकिन उनके पीछे क्या कोई हमारी है? दिक्कत क्या आई है मेरे को जो लग रहा है सर, आफ्टर रिटायरमेंट में ज्यादा बात कर रहा हूं अनुभव से, कि जब हम संस्कृत की बात है कि हम एक या दो जो भी आपको ठीक लगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप भगवद गीता ही ले, आप कोई भी विषय ग्रंथ का। दूसरा सर मैं ये मानता हूं, जो मेरा अपना अनुभव भी है, और जैसे आपने कहा कुछ चीजें हम पढ़ा नहीं सकते थे क्योंकि वो पढ़ाएंगे तो बच्चों को कहेंगे ये तो सर आउट ऑफ सिलेबस है। यदि आपने भारतीय संविधान, चाहे वो बीएससी का बच्चा है चाहे बीकॉम का है, तो भारतीय नागरिक, जब हम भारतीय नागरिक हैं तो उन्हें अपने मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, संविधान के उद्देश्य तो पता हो, वो हम पढ़ाते ही नहीं है, उसके पीछे क्या है सोच। एक छोटी सर उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको कि जब तक हम, मैंने पढ़ाया, मैंने नहीं उदाहरण दिया, लेकिन अभी पिछले दिनों इनके अब तो 4 साल हो गए, ये बड़ा मशहूर केस हुआ जिसे हम आधार कार्ड कहते हैं, जैसे पुट्टा स्वामी, उसमें जस्टिस संजय कौल ने अपना अलग से जजमेंट देते एक बात कही कि न्याय का सिद्धांत हमारे लिए कोई नया नहीं है, ये तो प्राचीन काल से है। और अपने पक्ष में उन्होंने जो उदाहरण दिया वो भगवद गीता से दिया, पित्रा न्याय साधु नाम। अब चूंकि न्यायालय ने कह दिया तो शायद हम सुन लें। हमारी दिक्कत क्या है सर कि हम उस ओर जाते ही नहीं है। मैंने जहां, जैसे आपने पहले ही बताया मेरे बारे में, संविधान सभा में यदि आप देखें, विशेषकर जो तृतीय पाठन है संविधान का वाचन होगा, उसमें अनेक वक्ताओं ने भारतीय संस्कृति का उदाहरण दिए है, चाहे वो मौलिक अधिकार निर्देश तत्व के पक्ष में दिया अथवा विपक्ष में, और उसमें अनेक संस्कृत के श्लोकों को उद्धृत किया है। अब मेरा एक प्रश्न है सर, क्या हमने पढ़ाया है? मैं कहूंगा मैंने तो नहीं पढ़ाया, हो सकता है मेरे साथी पढ़ा रहे हो। यदि मैं ये पूछ लूं कि क्या संस्कृत के प्राध्यापकों ने पढ़ा है, वो बता दें, क्योंकि दिक्कत क्या है, सच्चाई तो यह सर कि संविधान सभा डिबेट पढ़ना तो दूर, यूनिवर्सिटी इस और हम, मैं ये समझता हूँ सर, जैसे अभी आपने कहा, एक दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि जब भाषा का प्रश्न आया, बड़ी विस्तृत चर्चा हुई है संविधान सभा में कि हमारी राजभाषा क्या हो, जिसमें एक सुझाव यह भी था कि संस्कृत राजभाषा हो। लेकिन मेरा ही किस प्रकार से उसके पक्ष और विपक्ष में बात कही गई थी, अवेयरनेस जरूरी है। और तीसरी बात सर मैं जो कहना, व्यक्तित्व विकास
अब एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी डेवलपमेंट मार्केट में नहीं, बड़े सारे ये बच्चों के मतलब का नहीं है, उनके सिर के ऊपर से चला जाएगा, क्योंकि शुरुआत तो कहीं आपको करनी पड़ेगी ना सर। मेरा ये कहना है, वीरय जी से विशेष रूप से मैं अनुरोध करूंगा, व्यक्तिगत रूप से भी, कि वो अपने कॉलेज में भी अपने साथियों से बात करें, कोई एक अपने विभाग में रखें। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ सर मैं, आप जूलॉजी वगैरह में देखते वेलबींग की बात आती है, पूरा का पूरा हेल्थ के ऊपर चैप्टर है भगवद गीता में कि कैसे हम अपना स्वास्थ्य सुधार सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर है, आप पूरा काम कर सकते हैं। आप जो है एनवायरमेंट के ऊपर पूरा है, केवल इसमें नहीं है, भगवद गीता में, रामायण में ले रही, और बहुत शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, कहीं भी आप देखें, ऐसा कोई विषय नहीं है भारतीय संस्कृति का। मैं संस्कृत से अलग चल के संस्कृति की बात कर रहा हूँ सर, कि जो हम लेकिन उसके लिए हमें एक प्रयास अवश्य करना पड़ेगा कि चाहे सरकार स्वीकार करे या ना करे, चाहे यूनिवर्सिटी स्वीकार करे या ना करे, क्या हम आपके माध्यम से, मैं कहना चाह रहा हूँ कि छोटी छोटी बुकलेट ही छाप दें, एक प्रयास करके संयुक्त रूप से, कि जैसे आप कहते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट भारतीय संस्कृति, मैं भगवद गीता पर लिख कर दे दूं, आप किसी और उपनिषद को लेकर लिख दें, विनय जी किसी और पर लिख दें, कोई जूलॉजी वाला वो और लिख दें। तो जब तक हम ऐसा प्रयास नहीं ना करेंगे सर, मैं नहीं समझता कि एक कोई सकारात्मक और सार्थक पहल हो पाएगी। और जब तक हम ऊपर के अधिकारियों पर निर्भर करेंगे ना सर, तो आपका भी अनुभव है, मेरा भी अनुभव है, फिर तो बात यही सी सेमिनार तक रह गई। तो क्षमा चाहूंगा कि यदि मेरी बात किसी को बुरी लगी हो, लेकिन मैंने अपने दिल की बात और बड़ी स्पष्ट रूप से कही है, सपाट शब्दों में। धन्यवाद, धन्यवाद सर। डॉक्टर एस कृष्णन जी, सर अपने को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, अनम्यूट करें सर, डॉक्टर सर कृपया अनम्यूट। अच्छा नहीं सर, हमें ऑडिबल, हाँ अब ठीक है जी सर। यस, आई एम अ रिटायर्ड प्रोफेसर। या मेरा परिचय ऐसा है, मैं कर्नाटक से हूँ, रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ, अंग्रेज में मतलब आई वाज एन इंग्लिश प्रोफेसर, आई हैव डन डॉक्टरेट इन संस्कृत एंड आल्सो इन इंग्लिश, सो कीपिंग दिस एज माय पर्सनल इंट्रोडक्शन, आई लाइक टू बी वेरी ब्रीफ टू टेल यू अबाउट कीपिंग साउथ इंडिया इन जनरल, बिकॉज the points which I want to tell you is pertaining to Tharan ka model ho chahiye Sanskrit ka. Across the country we should have a correct pronunciation model is required for Sanskrit, one. And Uchcharan Abhyas should be for all the classes, it should be, it should be compulsory, including the teachers. And then, Aksharana Spashtataya Lekhanam, so writing practice also, this is keeping in view South India, because in North India you have Hindi as a lipi, so lipi parichaya is not a problem, but in South India the problem is that students do not have the proper exposure to even lipi script, so that is what I wanted to emphasize in the context. And also Vyakarana Sutrana Vachana Abhyasaha Parayanabhyasa. This is necessary to familiarize the students with the Vyakarana Sutra, pronunciation and then Uchcharan and then understanding the content of it. So that is one. Another aspect is including topics relevant to science. The science related topics should be there in the lessons, in the content, so that the exposure to our resources will be to an extent possible. And finally, lastly, the point which I want to present is that, sir, you have taken BA, BSc as the target group. But I would like to keep in the background the inverted pyramid approach that you may have, sir, PG, PhD, PG, MA, MA, and degree. Keeping this as a broad spectrum, a view, in fact, then the approach can be inverted pyramid approach. Actually, topics, relevant topics
which can be provided to the research scholars, which will be in turn helpful for PG, and then in turn it can be helpful for degree as teachers. So teacher orientation for faculty improvement program, how far Sanskrit is implemented and how far Sanskrit is emphasized, and it's not simply for language, but across all disciplines, the Sanskrit is so rich in resources, this has to be brought out. Thank you for the opportunity, sir. Thank you. Thank you, sir. These are very beautiful and very meaningful suggestions you have made. We'll take it up later on again. I think I should invite Dr. Ramchandra Rao Deoji. Sir. Sir, unmute yourself. धन्यवाद आशुतोष जी. जी. सबको सबको मेरा प्रणाम. देखिए संस्कृत के बारे में मेरा ज्यादा कोई जानकारी है नहीं, लेकिन जहां तक मैं वैदिक गणित में जितना काम कर रहा हूं, संस्कृत के बिना किसी भी रिसर्च ओरिएंटेड स्टडी आप नहीं कर सकते, ये मेरा नॉलेज है और कहना है. स्कूल कॉलेज में बच्चों को पढ़ाता हूँ, सारे स्कूल कॉलेज में एक ही बात बच्चों को कहता हूँ, अगर आप रिसर्च ओरिएंटेड स्टडीज करना चाहते हो तो संस्कृत सीखना आपका जरूरी है. क्योंकि इस उम्र में, मैं बचपन में कॉलेज स्कूल में संस्कृत मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट नहीं था, सॉरी टू से, क्योंकि संस्कृत से मैं बहुत डरता था. ये जो धातु रूप वगैरह वगैरह जो होते हैं उसको बहुत डरता था. तो ऑफकोर्स आई वॉज वेरी गुड इन मैथमेटिक्स, बट संस्कृत से बहुत दूर रहता था. लेकिन आजकल मैं रियलाइज कर रहा हूँ संस्कृत के बिना, मैं अभी जब वैदिक गणित एंशियंट मैथमेटिक्स के ऊपर जब काम कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे श्लोक्स आ जाते हैं, संस्कृत के बिना समझना बहुत मुश्किल होता है. इसलिए मैं अभी फिलहाल संस्कृत सीख रहा हूँ और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि आप जैसे बड़े बड़े संस्कृत के विद्वानों के साथ मिल पाया. इसीलिए आशुतोष जी को बहुत बहुत धन्यवाद. तो बताएं जी, और देखिए कणाद मुनि के बारे में मैं ज्यादातर बच्चों को कहता हूँ, कणाद मुनि के जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, ये सब कणाद मुनि की देन है, जो कि हजारों न्यूटन से हजारों साल पहले वो श्लोक दिए थे, उसको बाकी लोगों ने चुराया. क्योंकि हम संस्कृत के ज्ञान के अभाव की वजह से हम उसको समझ नहीं पाए, विदेशी तत्व जो है उसको लिए, उसको रिसर्च किए और उसी ज्ञान को हमें देते हैं जिसको हम अपनाते हैं. इसलिए मेरा सबसे अनुरोध यही रहता है कि यहाँ तो बड़े बड़े विद्वान है, तो मेरा एक ही अनुरोध रहेगा कि संस्कृत को अगर आपके जरिए आगे प्रोत्साहन दिया जाए बच्चों को सीखने के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा. धन्यवाद. जय जगन्नाथ. डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगा कि आप अपने कुछ सुझाव जो हैं कि वैदिक गणित में क्या लगाया जा सकता है पाठ्यक्रम में, वो आप हमें जरूर भेजें, ताकि हम प्रपोजल जिस वक्त बनाएं, फाइनलाइज करें, तो उस वक्त उसको हम उसमें एड अप करें. धन्यवाद. डॉक्टर सी के झा जी हेड हैं पीजी कॉलेज, पीजी संस्कृत विभाग के, डॉक्टर सी के चंद्रकांत झा जी एमपीएन कॉलेज मुलाना से, और को कन्वीनर हैं इसके. झा साहब, सबको मेरा नमस्कार. आज की जो चर्चा है, मैं समझता हूँ आप बहुत दिनों से इस तरह की कोशिश करते रहे हैं, और इन्हीं मैं संयोग से अभी पिछले वर्ष से मैं यूजी बोर्ड में हूँ कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी में. मेरी प्रथम मीटिंग जब हुई थी तो मैंने उनको उस मीटिंग में प्रस्ताव दिया था, आपने जैसे जैसे जो चीजें पहले जिक्र की थी वो सारी बातें मैं वहां किया था, तो मुझे तो बड़ा ही पॉजिटिव उनका रिस्पांस लगा वहां पे सब लोगों का. भारद्वाज जी हमारे वहां अध्यक्षता कर रहे थे, जो संस्कृत यूनिवर्सिटी के भाई चांसलर हैं, और उन्होंने ये सबने ये कहा कि आप वो सब चीजें जो है लेकर आए और फेज वाइज, यानी कि हम सबको एक बार में चेंज कर देंगे, लेकिन ये फेज वाइज जो है ना धीरे धीरे रिप्लेस करते रहेंगे, तो आप वो सब लेके आए. और दूसरी बात कि ये अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो चॉइस बेस्ट क्रेडिट सिस्टम जो अपनाया है कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी ने, जो इस बार लागू किया है, तो उसमें
डॉक्टर साहब आपने जो इसमें कुछ चीजें जिक्र की है, जैसे भगवद गीता स्वस्थ वृत्त एवं व्याकरण एक है प्रयोगात्मक संस्कृत, एक है भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भारतीय परिप्रेक्ष्य में व्यक्तित्व विकास, धर्म संस्कृति और दर्शन, इसके बाद संस्कृत साहित्य में राष्ट्रवाद और संतुलित जीवन पद्धति, ये सब क्रेडिट बेस्ड सिस्टम, ये जो लागू है हमारे जो अभी छत्रपति ने जो अभी कॉलेज ने अभी अपनाया है, तो उसमें ये सब लागू की गई है। तो एक तरह से तो कुछ चीजें हमने अपने बोर्ड में ये डिस्कस करके ये चीजें इम्प्लीमेंट कराई है, लेकिन आपके द्वारा जो ये बृहद रूप से जो सिलेबस जो अभी आपने बताया है, तो इसको मैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना वो सारी चीजें मुझे भी भेजते हैं, ताकि नेक्स्ट मीटिंग जब भी होगी तो मैं एक दिन पहले आपसे बातचीत करके और उन सारों जितने भी चीजें रह गई है, जैसे साइकोलॉजी है, ह्यूमन राइट्स है, तो ये सब चीजें जो है, लेकिन थोड़ी सी मुझे, मैं जहां तक कोशिश समझता हूँ कि सर इसको रोजगार से कैसे जोड़ा जाए, संस्कृत को तो एज ए संस्कृत लैंग्वेज ही हम देखते हैं, व्यक्तित्व विकास देखते हैं, ह्यूमन वैल्यू के रूप में देखते हैं, लेकिन इसको अगर हम ये सोचे कि ये बच्चा बीए कर ले और बीए करने के बाद जब समाज में जाए तो उसको जो है ना कोई रोजगार का अवसर, उसके बाद तुरंत नौकरी लग जाए किसी विभाग में, तो हम तो मतलब उसके लिए थोड़े से, जैसे कंप्यूटर वगैरह के संदर्भ में आपने कहा था कि कंप्यूटर्स के साथ उसको अगर सुनते तो आए हैं बहुत दिनों से, लेकिन आज तक वो कहाँ है वो सब जो संस्कृत वाले तुरंत उसमें जॉब ले ले और वो चीजें भारत में उसकी उपलब्धता किस जगह पे है, तो कुछ जिज्ञासा भी है। और मैंने ये जो जिक्र किया कि अगर आप सर मुझे कुछ चीजें अगर भेज देंगे और नेक्स्ट निश्चित रूप से वो चीजें, और जैसे ये बात सही है कि ये जो अभी सिलेबस है फर्स्ट, ये अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ना इलेक्टिव है ना कंपलसरी है, उसमें सारे ही जो है ना फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में फर्स्ट सेकेंड सेम ये सब, और वही सिलेबस जो एनुअल से सेमेस्टर में किया गया था उन्हीं सिलेबस को एज इट इज उसमें डिवाइड किया गया है। तो मैंने उसमें प्रश्न किया था कि सिविराज विजय को पढ़ाने से क्या फायदा, आप इसको रिप्लेस कीजिए। सरिता मैडम करनाल से थी, वो भी बोर्ड ऑफ स्टडी में थी, उन्होंने ये कहा कि अभियान शाकुंतलम हम पढ़ाते पढ़ाते बोर हो गए हैं और इसको रिप्लेस कीजिए। तो सुझाव आया, भाई सांसद साहब थे हमारी अध्यक्षता कर रहे थे रमेश भारद्वाज जी, उन्होंने ये कहा कि अगर हम ये उपन्यास है शिवराज विजयम, इसको अगर हम बच्चों को अगर हम इसमें नहीं सिखलाएंगे तो फिर हम उनको उपन्यास विधा से बच्चे परिचित कैसे होंगे। अब कुछ इस तरह के सुझाव आ जाते हैं तो उस कारण से हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, लेकिन ये सब चीजें अगर हमें आप कुछ प्रूफ के साथ देंगे तो निश्चित, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा भाई साहब डॉक्टर आशुतोष जी से कि जिस दिन बोर्ड ऑफ स्टडी की मीटिंग होगी उस दिन अपने दोनों भाई चलेंगे वहां पे और बड़ी गंभीरता से रखेंगे। अब सुनी जा रही है सर, पहले तो वाकई में पहले थोड़ी सी वो दिक्कत आ रही थी, लेकिन मैं दो तीन मीटिंग अटेंड किया हूँ तो मुझे लगा है कि उन बातों को कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी अब में आप सुनवाई है, उनको सुन रही है, कह रहे हैं कि आप लाइए और किस रूप में इम्प्लीमेंट करना है हमें बताइए, हम लोग करने के लिए तैयार। तो इन्हीं सब बातों के साथ तो आयोजन आज का रहा, बहुत ही सार्थक रहा, और सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत धन्यवाद डॉक्टर। कंप्यूटेशनल संस्कृत को अगर आप सीखना चाहते हैं तो कम से कम तीन यूनिवर्सिटीज उसको सिखा रही हैं, जेएनयू सिखा रही है, हैदराबाद की सेंट्रल यूनिवर्सिटी उसमें फुल फ्लेज कोर्स चला रही है, और जो तिरुपति यूनिवर्सिटी है संस्कृत यूनिवर्सिटी वहाँ पे भी इस पर बहुत काम हो रहा है, तो आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। और अगर कुछ बेसिक चीजें सीखनी हो तो वो तो मेरे से या लैंग्वेज लैब में आप सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जितना मटेरियल हमने इकट्ठा किया है वो मुझे आप सबके साथ साझा करने में कोई दिक्कत नहीं है, जब आप कहें मैं आपको पावर पॉइंट भी भेज दूंगा, आपको जो मटेरियल कलेक्टेड है वो भी हम भेज देंगे। मैडम राजेंद्रा ने भी काफी काम किया है केमिस्ट्री के ऊपर, इंडियन केमिस्ट्री पे काफी काम किया है, वो आपके साथ हम शेयर कर देंगे। लेकिन उत्सुक हों, बचे नहीं हम संस्कृत के लोग ना बच जाते हैं, और निश्चित मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि इस तरह से
जो संस्कृतज्ञ में एक आत्मशंसिता का भाव आएगा, वो उधर चल सकता है। हमने कभी काउंसलिंग के लिए अपने को तैयार ही नहीं किया, हम प्रोफेशनली करें तो बन जाते हैं, सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन थोड़ा सा ओरिएंटेशन करने की जरूरत है। लेकिन धन्यवाद, आपने बहुत सार्थक और अनुभूत बात कही। डॉक्टर सुमन जी, मैडम आप कुछ कहना चाहेंगे? आशुतोष जी, मैं 5 मिनट के बाद कुछ कह सकूंगी। एक्चुअली मैं थोड़ा इधर प्रिंसिपल मैडम के पास आई हुई हूँ, तो मैं उसके बाद आपसे बात करती हूँ। हाँ जी, मैं सुन रही हूँ लगातार, लेकिन किसी काम में थी। 5 मिनट के बाद मैं बिल्कुल बोल पाऊंगी आपके साथ। थैंक यू। धन्यवाद इस सुरुचिपूर्ण कार्यक्रम के लिए। वस्तुतः आज का विषय बड़ा ही उल्लेखनीय है और महत्वपूर्ण इस दृष्टि से है कि कालक्रम की दृष्टि से हम धीरे धीरे पर्टिकुलरली बिहार में संस्कृत को विस्मृत करते जा रहे हैं, और हमारे अधिकांशतः महाविद्यालय और विद्यालयों में संस्कृत के शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं, नियुक्ति नहीं हो पा रही है। और इसका कारण यह है कि हमारे यहाँ विद्यार्थियों की कमी हो गई है, लोग संस्कृत पढ़ना नहीं चाहते। वैसे मैं भी स्कूल तक ही मैंने संस्कृत पढ़ा है, लेकिन बदलती हुई परिस्थितियों में आपने बड़े अच्छे ढंग से विश्लेषण किया है कि इसकी उपयोगिता क्या हो सकती है और इसका अर्थ क्रियाकारित्व क्या हो सकता है, हाउ कैन आई गेट जॉब्स फ्रॉम हियर। और इस क्रम में दो बातें बड़ी अच्छी यहाँ पर स्पष्ट होकर के आई। एक तो संस्कृत लैंग्वेज इतना अच्छा लैंग्वेज है, सुसंस्कृत लैंग्वेज है, जो कंप्यूटर लैंग्वेज बनने की योग्यता रखता है, और चूंकि यह कंप्यूटर लैंग्वेज बनने की योग्यता रखता है तो हमें इस दिशा में इसे आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, इस संदर्भ में रिसर्च होना चाहिए, और हमें इस प्रकार इसको वैश्विक रूप देने की भी परिकल्पना हमारे मस्तिष्क में होनी चाहिए, सो दैट कि इसे हम समृद्ध कर सकें और विकसित कर सकें। दूसरा है कि किस प्रकार हम विद्यार्थियों को आकृष्ट कर सकें। मैंने जो भी संस्कृत पढ़ा है वो मैट्रिकुलेशन तक ही पढ़ा है, और मैंने देखा कि हमारे जितने शिक्षक थे उन्होंने इतने अच्छे ढंग से उन्होंने पढ़ाए, हितोपदेश में पढ़ता था जिसकी चर्चा आपने की है। और विद्या का कार्य क्या है, विद्या ददाति विनयम विनयम ददाति पत्रधाम। तो जब तक हम इस दृष्टि से संस्कृत का पाठ्यक्रम को विकसित नहीं करेंगे कि हमारे अंदर ये सारे के सारे विचार इस प्रकार परकुलेट हों जो हमारे आचरण को भी परिमार्जित करते हों और हमारे ज्ञान को परिवर्धित करते हों, तब तक हम इसका विकास करने में थोड़ी असफलता प्राप्त हो जाएगी। और तीसरा है कि जिस प्रकार अभी हमने देखा है कि लोग उर्दू पढ़ करके, फारसी पढ़ करके IAS और IPS हो रहे हैं, तो इस प्रकार हमें भी इस दृष्टि से सोचना चाहिए कि किस प्रकार हम अपने विद्यार्थियों को अच्छी नौकरियां दे सकें, और उसके लिए UPSC और राज्य की जो सर्विस कमीशन है उसके लिए अपने अगर विद्यार्थियों को हम आरंभ से तैयार करते हैं और अगर लोगों की नौकरी लगती चली जा रही है, अच्छे पदों पर सुशोभित होने लगते हैं, तो स्वाभाविक रूप से बहुत लोगों को इसके प्रति जागरण होगा और लोग संस्कृत पढ़ेंगे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, वहाँ पर दर्शन में बहुत कम विद्यार्थी थे, लेकिन आज मैक्सिमम लोग IAS और IPS फिलॉसफी पढ़ के ही कर रहे हैं। तो हमें इस दृष्टि से भी ध्यान देना पड़ेगा, अपने विद्यार्थियों को भी नियोजित करना पड़ेगा। और तीसरा है कि आचरण में परिवर्तन हेतु गीता हो गया, पंचतंत्र की बात आपने किया ही है, और मनोविज्ञान में आपका ये योग सूत्र, अगर इन लोगों की इन सबों की एक सम्यक ज्ञान लोगों को अवबोध लोगों तक पहुंचाया जाए तो मैं समझता हूं कि बहुत हद तक इन सारी चीज़ों की उपयोगिता हो सकती है और हम इसको उसके उन्नयन में हम सहायक हो सकते हैं, क्योंकि यह एक नितांत सत्य है कि जब वैश्विक परिदृश्य में सभ्यता की किरणें अभी अवतरित भी नहीं हुई थी उस काल से ही भारतवर्ष अपने ज्ञान और विज्ञान संस्कृत के माध्यम से दे करके विश्व को आलोकित करता रहा है। और अभी
रामचंद्र देव जी ने कहा, स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि चूंकि हम अपने धरोहर को भूलते चले गए और विदेशी इसे लेकर चले गए, तो इस कारण ही उन्होंने जितने सारे इन्वेंशंस हुए हैं बाहर में, उसमें अधिकांशता हमारे ही शास्त्रों से लिए गए चीजें हैं। जैसे कणाद हुए, मुनि अगस्त, इन्होंने विद्युत की को ये आविष्कृत किया। तो ये सारी चीजों की आवश्यकता है कि एक बार हम पुनर्लेखन करें, पुनर्अध्ययन करें और इन सारी चीजों को हम जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास करें, तभी हम संस्कृत को उस स्थिति में ला सकेंगे जिससे कि हम अपने भाषा तो उन्नत होगी ही, हमारा हमारे इसकी उपादेयता भी सिद्ध होगी और हमारा रोजगार भी उन्मुख हो जाएगा। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर, बहुत अच्छी बात आपने कही है और दिशा जो दी है आपने बहुत सही दिशा दी है इस सारी चर्चा को। हमारे साथ कई स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं, अगर कोई स्टूडेंट्स में से अपनी बात कहना चाहे तो रख सकते हैं, आप अपनी अपेक्षाएं रख सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि संस्कृत का सिलेबस आपके लिए। सुंदरा शर्मा, आप अपनी बात रखें, अनम्यूट करें अपने को। अनम्यूट करें अपने को वसुंधरा जी। अनम्यूट अनम्यूट। नमस्कार सभी को, मेरा नाम वसुंधरा है, मैं स्टूडेंट हूँ, अभी मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है आर्य कन्या महाविद्यालय से। वैसे तो सब आपने कंक्लूड कर ही दिया है कि क्या क्या होना चाहिए, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र, ये सब। तो मैं एक चीज कहना चाहूँगी जो मेरा अनुभव है कि प्रैक्टिकल हम कैसे संस्कृत को ले सकते हैं। हमारे घर में माहौल रहा है कि हमने स्टार्टिंग से ही वेद पाठ सिखाया है और स्टार्टिंग से ही हम वेद पाठ उच्चारण करते हैं घर में। तो इसको हम कॉलेजेस में भी हम प्रैक्टिकली ले सकते हैं। जैसे हमारे वेदों में कई मंत्र हैं, श्लोक हैं, ऐसे पुरुष सूक्तम है, गणपति सूक्त है, दुर्गा सूक्त है, मेधा सूक्त है, इसको हम बच्चों को सिखा सकते हैं। क्योंकि इसके उच्चारण से मतलब मुझे, मेरा जो अनुभव है पर्सनली, बहुत बहुत फायदा होता है इसका। पॉजिटिव एनर्जी एक आती है, व्यक्तित्व में जो निखार होता है वो अलग ही होता है और एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है हमारे अंदर। तो पर्सनैलिटी डेवलप होती है इससे, मतलब मेरा पर्सनल अनुभव रहा है इसके लिए। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं, प्रैक्टिकली बच्चों को सिखा सकते हैं। और उसका एक, जैसे वो सर ने बताया अभी कर्नाटक से जो थे, तो इसके उच्चारण पे ध्यान देना होता है और इंटोनेशंस कहाँ ऊपर जाना है, कहाँ स्वरित, दीर्घ स्वरित, उदात, अनुदात, उस पे हम ध्यान, उसके अनुसार हम जब उच्चारण करते हैं तो बहुत अच्छी वाइब्रेशंस होती हैं, उससे हमारे माइंड पे भी बहुत असर पड़ता है, पॉजिटिव असर पड़ता है। तो हम इसको प्रैक्टिकल रूप में ले सकते हैं बच्चों को सिखा कर। बाकी तो सर आपने सब कवर कर दिया। लेकिन अच्छा लगा बच्चे, आपकी बात सुनकर के मुझे खुशी हुई, क्योंकि देखो जब तक हम लोग तो एक व्यवस्था में हैं, लेकिन विद्यार्थियों के पास एक संभावना ज्यादा प्रबल होती है। अगर आप लोग थोड़ा सा अग्रसर होंगे, सहयोग करेंगे, तो इस व्यवस्था को हम बदल पाएंगे। अन्यथा हम लोगों का सारी शक्ति का व्यय जो है ना, वो इन व्यवस्था को बदलने में निकल जाती है। तो कई जो काम करने वाले हैं, जो सकारात्मक काम है, वो हम नहीं कर पाते, बहुत सारी व्यवस्था का जो प्रभाव है वो हमें रोक देता है। लेकिन आप लोगों के पास हमारे जहां भी, मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हम जिस प्रकार भी आपके काम आ सकते हैं, हम जरूर हेल्प करेंगे और संस्कृत को आगे बढ़ाने के लिए। शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह से अगर हम ये साहस पैदा कर सकें, आत्मशंसिता का भाव सब बच्चों में पैदा कर सकें, तो सिलेबस अपने आप एक दिन में बदल जाएगा। हमारे कहने से नहीं बदलेगा, लेकिन जिस दिन आप लोग खड़े हो गए कि भाई हमें बताओ, कि अपने अध्यापक से आप पूछेंगे कि भाई मुझे बताओ मेरे सिलेबस लगाने का फायदा क्या है, जो मुझे पढ़ाने जा रहे हैं, उसी दिन सब कुछ बदल जाएगा। और आपको संस्कृत के लिए किसी को कोई आग्रह नहीं करना पड़ेगा। बट एनीवे, थैंक यू सो मच मैडम डॉक्टर सुमन राजन जी।
नमस्ते सर, सभी को नमस्ते जो भी इस चर्चा परिचर्चा में सम्मिलित हैं। मुझसे पहले सभी ने अपनी अपनी बातें रखी। मैं एक्चुअली मैं ऑफिस की साइड थी तो अपने रूम तक पहुंचने में 5 मिनट लगने थे, तो मुझे लगा कि मैं वहीं बैठ करके बोलूंगी। बड़े अच्छे अच्छे विचार आशुतोष जी आए हैं और आपने तो पहले ही क्रक्स निकाल करके जो प्रस्तुत किया रखा और विषय भी बड़ा अच्छा है। हम बड़े समय से सोचते आ रहे हैं, कई बार मन में इस तरह की बातें आती हैं कि कुछ परिवर्तन तो अवश्य होना चाहिए। जब एनुअल सिस्टम से सेमेस्टर पे आए तो बड़ा सीधा सा सिस्टम कर दिया गया कि सारे सिलेबस को 2 भागों में बांट करके आधा आधा कर दिया गया, जो कि उचित नहीं था। पर चलिए, व्यवस्था में उस समय कुछ उस प्रकार की रही होंगी असुविधाएं जिसके कारण से ऊपर बैठे हुए लोग नहीं कर पाए। अब आज के दिन पर आते हैं। बहुत सी ऐसी बातें आशुतोष जी और सभी विद्वतगण कह भी चुके हैं उन बातों को कि हमें इस ट्रेडिशनल, मैं ट्रेडिशनल इसलिए कह रही हूँ सर कि एटलीस्ट मैंने जब से पढ़ा है और मैं जब से पढ़ा रही हूँ 96 से जी। मैं जब स्टूडेंट रही जो कुछ पढ़ा और आगे का हिस्सा है जो वैसे का वैसा चल रहा है। और आमतौर पर लोगों में एक धारणा बनी हुई है, अगर उन्हें कहो कि आपने बच्चे को संस्कृत पढ़ानी है या संस्कृत विषय ले लो तो उनका पहला ही ये होता है कि अच्छा वही 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 सिलेबस है, या तो अभी ज्ञान शाकुंतलम का नाम लेंगे या धातु रूपों को कहेंगे पठती पठता पठंती। फिर हम उन्हें समझाते हैं कि ऐसा नहीं है, पाठ्यक्रम के और भी हिस्से हैं, इसको पढ़ करके आप और कई भागों में आगे निकल सकते हैं। इस बात से सभी अवगत भी हैं कि संस्कृत भाषा में सब कुछ है, ऐसा कौन सा विषय है जो संस्कृत भाषा में नहीं है। लेकिन फिर साथ में ही ये प्रश्न भी उठता है कि जब संस्कृत भाषा में हर विषय है तो हमने हर विषय का थोड़ा थोड़ा अंश अपने पाठ्यक्रम में क्यों नहीं लगाया अभी तक, ताकि हमारे बच्चों को जो संस्कृत के साथ दूसरे विषय पढ़ते हैं वो अगर संस्कृत में उस पोर्शन को पढ़ लेते और दूसरे विषय में उसी का हिंदी में वो पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो इस बात को जान पाते कि संस्कृत सभी न केवल भाषाओं की जननी है अपितु सभी विषयों की जननी भी संस्कृत भाषा ही है और संस्कृत में सब कुछ है। जैसे सर, जब हम BSc को पढ़ाते हैं, सेकंड ईयर में संस्कृत है, हमारे यहाँ अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, 60-65 बच्चे BSc वाले संस्कृत लेते हैं, हिंदी रादर कम लेते हैं, 30 के आसपास, 25-30 संस्कृत बच्चे अधिक लेते हैं, उसमें भी वही सिलेबस होता है। जो चीजें संस्कृत हमारे विज्ञान पक्ष को रखती हैं, क्यों ना हमें BSc में उस प्रकार का सिलेबस, चाहे हम 10 नंबर का ही डालें, 15 का ही डालें, क्यों ना डालें हम सर 50% सिलेबस साइंस से क्यों ना रखें, क्योंकि वो बच्चे बाकी सभी विषय सभी पेपर तो साइंस में पढ़ रहे हैं, तो संस्कृत में जब उसी तरह का उनको मिलेगा तो निश्चित रूप से वो समझ पाते हैं। हमारे कहने का वो नहीं होता, हम बेशक कहते रहे कि बेटा महाभारत काल में भी विज्ञान इतना पुष्ट था, विज्ञान जो है उसको इतना महत्व दिया जाता था, या सुश्रुत या चरक संहिता इसके विषय में कुछ भी बताते रहे। ऐसे ही BMS में जो बच्चे प्लस टू के बाद जाते हैं, BMS में आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज में एडमिशन लेते हैं सर, वो बच्चे वहां जाकर के संस्कृत की वो बातें पढ़ते हैं जो उन्हें स्कूल के स्तर पर पढ़ लेनी चाहिए। अगर BMS में जो बच्चे जाने के इच्छुक हैं उस आयुर्वेदिक लाइन में जाना चाहते हैं, आयुर्वेद से जुड़ी हुई बातों को 10th में +1 में +2 के संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम में रख दिया जाए तो उन बच्चों को कितना अच्छा लगेगा और वहां जाकर के उनके लिए पढ़ना कितना आसान हो जाएगा उन्हीं विषयों की उनका बहुत सा सिलेबस मैं देख चुकी हूँ सर। आयुर्वेद के कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पूछने आ जाती हैं संस्कृत से जुड़ी हुई बातें घर पर या कॉलेज में भी कि ये संस्कृत में आप शायद कुछ बेहतर बता पाएंगी। तो मैं देखती हूँ कि अगर ये प्लस टू लेवल तक होता संस्कृत में तो इन बच्चियों के लिए कितना आसान हो जाता। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात छोटी सी कहूँ सर, जैसे जो बच्चे प्राक शास्त्री या शास्त्री करके MA संस्कृत करने आते हैं उनके लिए MA संस्कृत का पाठ्यक्रम आसान लगता है, क्यों?
क्योंकि लघु सिद्धांत, कौमुदी और बहुत सी चीजें, वो जो साहित्य है वो पढ़ चुके होते हैं प्राक शास्त्री में और शास्त्री में। जबकि जो बच्चे प्लस टू और बीए करके एक विषय संस्कृत के साथ एमए संस्कृत में आते हैं, उनके लिए थोड़ा कठिन हो जाता है। तो इस प्रकार के सिलेबस को बना करके सर हमें बीएससी के लिए और बीए के लिए, हमारी बहुत सी बच्चियां विलिंग होती हैं जाने के लिए संस्कृत एमए में, जब वो पढ़ती हैं और उन्हें लगता है कि ये है। जैसे मैं बताऊं कि मेरी बेटी ने 10th तक संस्कृत ली और वो अब फिजिक्स ऑनर्स कर रही है। और आप मानेंगे, मैंने उसके कारण से बहुत सी ऐसी विज्ञान की चीजें पढ़ी संस्कृत में, क्योंकि वो मेरे से लगातार प्रश्न करती थी कि माँ आप ये तो कहते हो कि संस्कृत भाषा में विज्ञान की ये बातें भी है, ये भी हैं, हैं कहाँ, मुझे वो बताओ। क्योंकि मैंने तो अभी तक दूसरी ही किताबों में पढ़ी है। आप मानेंगे नहीं आशुतोष जी, मेरे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था ये। बिल्कुल, कि मुझे अपनी बेटी को ये बात कहने से पहले वो चीजें अपने सामने रख के उसे दिखानी चाहिए थी। अब वो सेकंड ईयर में है और फर्स्ट ईयर से उसने लगातार अपने पापा से भी और मेरे से ये प्रश्न किए, और हमने फिर उसे जो जो पक्ष जहां जहां विज्ञान में वो बातें वो उसे दिखाना बता करके कि बेटा यहाँ आप पढ़ सकते हो। फिर उसने कहा कि आप मुझे समझाइए, अदरवाइज फिर फायदा क्या हुआ आपका, क्योंकि आपको आता है, मुझे तो संस्कृत बहुत कम आती है, दसवीं तक ही पढ़ी है मैंने, आगे वो साइंस स्ट्रीम में चली गई थी। तो मेरा कहने का यही अभिप्राय है सर कि यदि हम स्कूल लेवल पर भी इस तरह की चीजें लगवा पाए और सिलेबस में हर 5 साल के बाद आशुतोष सर परिवर्तन होता रहना चाहिए, चाहे आंशिक आंशिक तौर पर परिवर्तन हो, जो हम लोग ये सोच लेते हैं ना कि हमें मेहनत ना आने वाले, और आगे वाले भी यही सोचते हैं कि मेहनत ना करनी पड़े, जो एक बार पढ़ लिया नोट्स बना लिए। कई टीचर्स ऐसे होते हैं एक बार के बनाए हुए नोट्स से रिटायरमेंट तक उसी से पढ़ाते रहते हैं। ये गलत बात है। तो सर हमें अपनी खामियों को देखते हुए, हम कहाँ, बीच में एक सर बोल रहे थे हम कहाँ खड़े हैं, और दूसरा सर हमें ये कहना चाहिए यूनिवर्सिटी को कि वो जब भी संस्कृत के उसके इंस्पेक्शन के लिए जाती है, पांच मिनट बाद आना बेटे, संस्कृत के इंस्पेक्शन के लिए जाती है, वो ये जरूर पूछे क्या आपके महाविद्यालय में संस्कृत भाषा की प्रयोगशाला लैंग्वेज लैब है या नहीं है। अगर इंग्लिश के लिए फंक्शनल इंग्लिश की लैंग्वेज लैब हो सकती है, हम इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन तो बच्चों को सिखा रहे हैं, हम संस्कृत भाषा के प्रोनाउंसिएशन के प्रति उसका उच्चारण शुद्ध कितना होना चाहिए। कई बच्चे क्या, कई टीचर सर ऐसे मिल जाएंगे, मुझे दुख होता है कहते हुए, जो सूत्र को सूत्र बोलते हैं। तो हमें लैंग्वेज लैब के माध्यम से ये भी कंपल्शन होनी चाहिए, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं उस पर जब सीट्स इंक्रीज की जाती हैं, इसके साथ में एक ये पक्ष रखा जाना चाहिए कि लैंग्वेज लैब का होना बहुत जरूरी है और लैंग्वेज लैब आपकी होनी चाहिए। तो मैं इस पक्ष को थोड़ा पुष्ट करना चाहूंगी। एक तो 10th प्लस 2 लेवल से वो सिलेबस सर हम थोड़ा थोड़ा रखते जाएं जो हमारा वाणिज्य पक्ष को दिखाता है। जैसे हम कहते हैं सर अर्थशास्त्र के, कई बच्चियां इकोनॉमिक्स लेकर के संस्कृत पढ़ रही हैं साथ में, उनको हम कहते हैं बेटा अर्थशास्त्र तो चाणक्य ने लिखा, ये है आपको अर्थशास्त्र की ये बातें वहां मिलेंगी। अगर वो सिलेबस में थोड़ा थोड़ा हिस्सा है तो हमारी बच्चियां, चाहे वो राजनीतिक पक्ष है, चाहे वो समाजशास्त्र का पक्ष है, चाहे वो भौगोलिक परिस्थितियों को दिखाता पक्ष है या वातावरण वायु परिवर्तन वाला, या फिर इस प्रकार से अर्थशास्त्र या गणित शास्त्र जो भी है, उसको थोड़ा थोड़ा 10-10% भी या 5-5% भी सर थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दें, तो बच्चों को हमें मुंह से नहीं, स्वतः उनको अपने आप लगेगा कि भाई ये यहाँ दिख ही रहा है कि इन इन पुस्तकों को हम, जो ये रेफरेंस में दी गई है संदर्भ ग्रंथ, इनको जब पढ़ेंगे तो हमें पूरी तरह से पता चलेगा कि इनमें ये चीज को कैसे विस्तृत रूप से वहां बताया गया है या दिखाया गया है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। बाकी सभी प्रबुद्ध जन इस चर्चा परिचर्चा में सम्मिलित है, मुझे बड़ा अच्छा लगा सभी को सुन करके, और मैं सच में चाहती हूँ आशुतोष जी, चाहे हमें खड़ा होना पड़े या ऊपर तक इसके लिए पत्र लिखने पड़े, पर हम भी इस बार अड़ जाएंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो लागू की जा रही है उसमें इन चीजों को अवश्य सम्मिलित किया जाए, ताकि आगे एक ट्रैक पर हम अपने बच्चों को ले जा सके, और आने वाले जो प्राध्यापक वर्ग भी है संस्कृत के प्राध्यापक, इसके अध्यापन वर्ग से जुड़ेगा, उनको भी हम इसके प्रति सुनिश्चित अवश्य कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सभी को नमस्ते। आपकी बातें सुन के मेरा तो कम से कम उत्साह बढ़ गया।
क्योंकि कई बार उत्साह जो है ना वो मंद पड़ जाता है, क्योंकि लगे 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 कि जब सफलता नहीं मिलती तो वो एक अवसाद घेरता है। लेकिन आपकी बातों से मेरा उत्साह पुनः उद्दीप्त हुआ है, तो उसके लिए भी धन्यवाद, और आपके सुझाव बड़े सटीक और व्यवहारिक हैं, उसके लिए भी धन्यवाद। तो मैं चाहूँगा कि हमारे साथ कुछ और भी लोग जुड़े हुए हैं, तो मैडम सुमित्रा दहिया जी हैं सिरसा यूनिवर्सिटी से, मेरे ख्याल इंग्लिश से हैं, और मैडम ज्योति जी और लवलीन हैं यमुनानगर से, प्रोफेसर लवलीन जी। मैं जरूर चाहूंगा कि वो अपनी अपनी बात बहुत संक्षेप में हमारे साथ साझा करें, फिर इसको हम कंक्लूड करने का प्रयास करेंगे। जी सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर ज्योति शर्मा आर्य कन्या महाविद्यालय शाहबाद मारकंडा में संस्कृत पढ़ाती हूँ। और सर आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आपने इस विषय को लेकर जो है यहाँ पर चर्चा की, और हमारे पाठ्यक्रम में जो हम अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं सभी ने बड़े अच्छे से किया। और अभी जो मैडम सुमन ने बताया, ये सच में हमारा ये अंदर का दर्द है कि हम संस्कृत के सिलेबस को देखकर हम बड़े परेशान रहते हैं। और इसके लिए जब हमें दिखता है कि हमें जो टाइम टेबल में पीरियड्स भी जैसे हम लोगों को कई कॉलेजेस में नहीं मिलते हैं, तो और भी ज़्यादा हमारे लिए परेशानी होती है। और जहाँ तक अभी साइंस का जो सिलेबस है सर, मैं इसके लिए ज़रूर कहना चाहूँगी कि जैसे नॉन मेडिकल के या मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैडम ने बड़े अच्छे से बताया कि ये बुक्स लगनी चाहिए। परंतु साथ ही साथ मैं सर देख रही हूँ कि मैं पर्सन अपने कॉलेज में कि कंप्यूटर साइंस में बच्चे हमेशा संस्कृत लेते थे, पर लास्ट ईयर ऐसा हुआ कि एक भी बच्चा बीएससी कंप्यूटर साइंस में संस्कृत में नहीं आया। कहीं ना कहीं जो किसी ने भी कुछ भी जो भी है उनको बताया गया या जो भी हुआ कि संस्कृत को पढ़कर आप लोगों ने क्या करना है, कंप्यूटर में इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है 40 मार्क्स है, ऐसे ही आपने कभी पढ़ी नहीं है, आप यहाँ तो पंजाबी के लिए बोले हैं कि स्कूल्स में पंजाबी लगी हुई है, तो इस तरह की बातें। तो फिर जैसे हमने उनको बताया कि कंप्यूटेशनल में आप जा सकते हो या टाइपिंग जो है, तो बच्चों का फिर सर मेरे सामने ही मेरे कुछ एक बच्चों ने ही जो करके गए हैं बीएससी कंप्यूटर साइंस से, उन्होंने ये विचार दिए और मैं आपके साथ साझा करूंगी कि मैडम आप जो हमारे बीएससी में है जो प्रैक्टिकल्स के रूप में इसको सब्जेक्ट को दिया जाए कि कंप्यूटर को साथ में जोड़ते हुए चाहे उसमें वो टाइपिंग हो या कंप्यूटेशनल जो आप मैडम संस्कृत की बात करते हो वो चीज़ यहाँ पर लगाई जाए ताकि हम उसको सीखें और आगे प्रयोग कर पाए। और दूसरा सर एक जो उच्चारण की दृष्टि से भी मैडम ने बड़ा अच्छा कहा कि लैंग्वेज लैब हो, आपने भी कहा, और बच्चों का ये है कि सर इसको भी प्रैक्टिकल रूप देना चाहिए कि या इसके लिए शिविर जो है
वो संगीत के जो है वो संस्कृत में है, तो आपको थोड़ा इजी रहेगा। बट मैं ये कहूंगी एज अ स्टूडेंट मुझे बहुत ऐसा यूजफुल नहीं लगा वो जो मैंने संस्कृत ऑप्ट किया, क्योंकि वो कहीं भी इस तरह मुझे ऐसा कोई फायदा लगा। बस थोड़ा सा ये हुआ कि मैं फैमिलियर हो गई उस लैंग्वेज से और मैंने थोड़ा डेयरिंग शुरू की कि मैंने संस्कृत के वो कोट्स उठाने मैम को मैं सुन, हमने भी पढ़ा वो ईशावासीय उपनिषद पढ़ा हमने, तो मैम को बहुत ध्यान से सुनते थे कि वो किस तरह से पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम जब संस्कृत का कोई श्लोक या देखते हैं तो वो एक सेंटेंस पूरा जैसे जुड़ा होता है, तो वो किस तरह से संधि विच्छेद करके उसको पढ़ते जा रहे हैं मैम, तो बहुत इस चीज को समझने की कोशिश की, कुछ समझ में आई कुछ नहीं भी आई, तो केवल ये हुआ। तो मैं प्रैक्टिकली अगर मैं कहूँ कि मैंने संगीत के साथ म्यूजिक को जोड़ने की कोशिश की संस्कृत की दृष्टि से, संगीत और संस्कृत को जोड़ने की संस्कृत की दृष्टि से, तो मुझे वो सिलेबस कहीं पे ऐसा नहीं लगा कि वो कहीं जोड़ रहा है। तो बस मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर संस्कृत का सिलेबस ऐसे कहीं पर न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में जब जुड़ रहा है वो संगीत के साथ, तो वो जरूर सर इसका कहीं ना कहीं उसमें ये भी बताया, जैसे मैम ने साइंसेस के साथ कहा, तो मैं ये कहूंगी कि संगीत के साथ भी जरूर होना चाहिए, क्योंकि हम एमए में जाके हम देखते हैं ये सारा कुछ, एमए में म्यूजिक में हमें बताते हैं इस ग्रंथ में ऐसा बताया गया, इस ग्रंथ में ऐसा बताया गया, पर जब मैं बीए में संस्कृत कर रही थी तो उसने कहीं भी ऐसा कोई संस्कृत ने कहीं नहीं बताया कि किस तरह से ये जुड़ा संगीत से या किस विषयों से। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ये दो चीजें जो मुझे आज भी खलती है, अगर मैं कोई संस्कृत से रिलेटेड बुक उठाती हूँ म्यूजिक संस्कृत से रिलेटेड, तो उसको जब पढ़ने की कोशिश करती हूँ तो काफी प्रयास के बाद कुछ शब्द पढ़ लिए जाते हैं, कुछ वो ऐसे ही छोड़ने पड़ते हैं क्योंकि वो पढ़ना मुश्किल होता है उसको। तो ये एक प्रैक्टिकली जरूर एक ऐड होना चाहिए ताकि बच्चा पढ़ना भी सीखे, जो अब हमें अब कहने को मैंने MBA किया है संस्कृत में, बट अगर मुझे पढ़ने के लिए कहा जाए तो मैं शायद पूरा वो पढ़ नहीं पाऊंगी अगर एक स्टैंजा या कुछ कोई श्लोक मुझे दिए जाए, तो वो तो ये मुझे जो है एक ये कमी महसूस हुई एज अ स्टूडेंट संस्कृत की। पर वही मैं कहूँ सर मेरा ज्ञान नहीं है, बट मेरे ये एज अ स्टूडेंट कुछ फीलिंग्स थी संस्कृत को लेकर के। हाँ नहीं नहीं है भी, और ये बात होनी भी चाहिए, संस्कृत और म्यूजिक के बड़े करीबी संबंध है, लेकिन हम लोगों ने कभी इंट्रोड्यूस ही नहीं किया, तो ये हम लोगों का दोष है और हम लोगों ने इन चीजों को सुधारा नहीं पिछले कई सालों में। तो लेकिन ये आपने ध्यान अच्छा दिलाया है कि संगीत और संस्कृत को इकट्ठा किया जाए, कोशिश करते हैं देखते हैं। लेकिन हमारे साथ तीन स्पीकर अभी और जुड़े हुए हैं, कमलेश चिकारा जी, और उसके बाद डॉक्टर हरिदेव शर्मा जी, और लास्ट जो रहेंगे रविंद्र कुमार गुप्ता जी। हेलो सर, नमस्कार, मैं डॉक्टर कमलेश। जी जी सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट है। सर मैंने ये जो संगोष्ठी है ये जब से शुरू हुई है तब से मैं इसको अटेंड कर रही हूँ सर, और थोड़ा कॉलेज में समय का अभाव होता है सर, आप भी जानते हो इस चीज को, लेकिन सर मैंने मतलब जो हरियाणा में जितनी भी आज तक संगोष्ठी हुई है संस्कृत के ऊपर, तो हो सकता है मैंने अपने चेहरा लगा कि सरकार की तरफ से थोड़ा अगर हमारे सिलेबस को प्रैक्टिकल रूप में प्रयोग किया जाए, या संस्कृत ग्रंथ अकादमी है वो खोले जाए सर, या प्रयोगशाला बनाई जाए, या फिर कुछ ऐसा है सर, आयुर्वेद में भी संस्कृत का महत्व है, BSc में भी कुछ सिलेबस हमारा डाला हुआ है सर, और प्राकृतिक चिकित्सा में सर हमारा जो संस्कृत का जितना भी सिलेबस है वो डाला हुआ है सर, तो मैंने इन ग्रंथों को कहाँ पढ़ा है, और मैंने सर मैं इग्नू थोड़ा हाँ मैं पढ़ा रही हूँ, उसमें मैंने देखा सर जो हमारे संस्कृत का सिलेबस है वो इतने विस्तार पूर्वक दिया गया है कि अगर उसको हम अच्छे से
अपने लाइफ में मतलब यूज करें तो उसको आगे बढ़ाया जा सकता है सर। और कुछ ऐसा है कि कुछ मुझे थोड़ी ही कमी महसूस हुई कि जैसे हमारी प्रतियोगिता परीक्षा होती है तो उनमें हमारे संस्कृत के सिलेबस को कुछ 10% या 20% उसमें लागू किया जाए ताकि बच्चों की उनमें रुचि हो। यानी कि संस्कृत के सिलेबस को सर जो हम मतलब कभी हम हिस्ट्री के सिलेबस को लगवाते हैं, ज्योग्राफी के लगवाते हैं सर, तो मेरा ये मानना है सर कि मेरा ये आपसे अनुरोध है कि जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है उनमें संस्कृत के सिलेबस को डाला जाए ताकि बच्चों की रुचि और हो। जी जी ठीक है मैम, मैं इस बात को भी हम सुझावों में लेंगे निश्चित रूप से। धन्यवाद मैम। इसके बाद डॉक्टर हरिदेव, धन्यवाद डॉक्टर हरिदेव शर्मा जी। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, संस्कृतमातरं, संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं, संस्कृतस्य सदा भक्तो, वन्दे संस्कृतमातरं, संस्कृतस्य कृते जीवन्, संस्कृतस्य कृते यजन्, आत्मानमाहुतं मन्ये, वन्दे संस्कृतमातरं, वन्दे संस्कृतमातरं। गोष्ठ्यां समुपस्थितानां सर्वेषां सर्वासामपि अभिनन्दनं, प्रणामः सर्वेभ्य। अहं हरिदेवः, कुरुक्षेत्रे भगवतः कृष्णस्य भगवतः कृष्णस्य उपदेशस्थली अत्रैव वसामि। पञ्चत्रिंशत् वर्षेभ्य संस्कृताचार्यत्वे सेवानिवृत्ता अस्मि। आशुतोष अङ्गेन सह परिचय व्यक्तिगतं तु अस्ति, परन्तु बहुभ्यः वर्षेभ्यः यद्यपि कार्यक्रमः निरन्तरं आगच्छन्ति पश्या, परन्तु मम प्रतिभागिता अद्य एवं दृष्टवान् यत् एषः कार्यक्रमः संस्कृतसम्बन्धि, पुनः वर्तमानसमये संस्कृतस्य प्रासङ्गिकता कदा न आसीत् इति प्रश्नः नास्ति। संस्कृतस्य यावत् प्रासङ्गिकता पूर्वं ततोपि अधिका प्रासङ्गिकता इदानीम् इति वर्तते। पाठ्यक्रमपरिवर्तनस्य आवश्यकता पुनः बहूनां विचाराणां श्रुतवान् अस्मि। वस्तुतः संस्कृतं यद्यपि भाषासु गण्यते, भाषा अस्ति, परन्तु अस्माकं परम्परायाः निर्वाहका वयं संस्कृतस्य। अतः यावत्पर्यन्तम् अस्माभिः आत्मनः परिवर्तनस्य इच्छा न क्रियते, यतोहि भाषाशिक्षणस्य चत्वारि कौशलानि सन्ति, तत्र प्रथमं कौशलं श्रवणं, द्वितीयं भाषणं, तृतीयं पठनं, चतुर्थं कौशलं गत्वा लेखनमस्ति। अतः अस्माभिः श्रवणं भाषणम् अत्र कृपणता क्रियते, न श्रवणमस्ति न भाषणमस्ति। श्रवणभाषणयोः कौशलद्वयस्य यदि विकासः भवति, पठनस्य लेखनस्य स्वयमेव विकासः भवति। अहं संस्कृतभारत्याः कार्यकर्ता अस्मि इति कृत्वा गत त्रिंशद्वर्षेभ्यः द्वात्रिंशद्वर्षेभ्यः संस्कृतभारती कार्यकर्तृत्वेन इदानीं मम तु सम्पूर्णदेशे कुत्रापि गच्छामि संस्कृतेन संवादः क्रियते, सर्वेपि अवगच्छन्ति, पठन्ति, पाठयन्ति। BA, BSc इत्यादि विज्ञान अथवा एतेषां छात्राः अस्माकं विज्ञानपरम्परां प्राइड् आफ् इण्डिया संस्कृतभारतीद्वारा एकं पुस्तकं प्रकाशितमस्ति, तत् पठनीयं। यदि वयम् आयुर्वेदं पाठयितुम् इच्छामः, विज्ञानं च तत्र चिकित्साविज्ञानं पाठितं, तत्र आयुर्वेदसम्बन्धित ग्रन्थानां पाठ्यक्रमः तत्र दातव्यः। यदि वयं BSc कम्प्यूटर् इत्यादि पाठितुं, तत्र एरोनोटिक्स् मध्ये भारद्वाजस्य तत्र शास्त्राणि, अन्यशास्त्राणि, बहुविध पाठ्यक्रमः अस्माकं तादृशः अस्ति, यत् वीक्षणं सम्यक्तया विद्वांसः तत्र एकैकं चित्वा पुनः तस्य पाठनस्य विधिः, पुनः अस्माकम् अध्यांशः ग्रन्थाः पद्यात्मकाः सन्ति, संवादात्मकः पुनः पद्यात्मकः। अहं वाल्मीकिरामायणं पठनस्मि, यद्यपि समग्रमेव तत्र विवरणं संवादात्मकमस्ति, तत्तु पद्ये अस्ति। अतः पद्यपठनस्य अभ्यासः बहु कष्टेन एतत् वक्तव्यं भवति, यत् अस्माकं पठने श्रवणे भाषणे एव कृपणता अस्ति, अतः एषा भावः अस्माभिः निष्कासनीया, पुनः तादृश अंशः पाठ्य तत्र अस्माकं विज्ञानछात्रः विज्ञानस्य गूढरहस्यं यदि वयम् अन्वेष्टुमिच्छामः
तो किम एष बुद्ध कथ्यते आइंस्टाइन तस्य तस्य गीतायाः उपरि सः गीताम् अधीत्य सः वैज्ञानिकः प्रतिष्ठितः वैज्ञानिकः ऐ हेव मेड गीता एंड लिटरेचर तो एवं प्रकारेण अस्माकं वैभव वैज्ञानिकः अस्माकं एपीजे अब्दुल कलाम महोदय तादृशः वैज्ञानिकः ते सर्वेपि अधीत संस्कृतः अतः मम निवेदनम् अहं बहु अधिकं न वदामि परन्तु यथा अत्र परिचर्चा आसीत् अहं प्रायः अर्धघण्टा पादघण्टा अर्धघण्टा शृण्वन् अस्मि अत्र डाक्टर् बिनय सिंगल् जी मम प्रतिवेशिनी अपि वर्तते सा कदाचित् तत्र निवेदितवती अपि आसीत् अतः अहम् अत्र आगत्य भवतां विचारान् श्रुत्वा एतस्मिन् विषये महती चर्चा पुनः एजुकेशन् पालिसि शिक्षानीति परिवर्तिता तदनुगुणं संस्कृतस्य अध्ययन अध्यापनस्य अवसराः सर्वकल्पिताः सन्ति इदानीं तत्र अस्माकं निश्चयः भवेत् यत् वयं तदनुगुणम् आत्मनः परिवर्तनं कुर्मः संस्कृतं संस्कृतमाध्यमेन पाठयितुं यावत्पर्यन्तम् अस्माकं मनः सिद्धं न भविष्यति तावत्पर्यन्तं पाठ्यक्रमस्य पूर्ति पुनः श्रवण भाषणकौशलद्वयस्य विकासः यावत् न भविष्यति तावत् अग्रे अस्माकं गतिः न भविष्यति इति उक्त्वा सर्वान् प्रणम्य बहु अधिकम् अनुक्त्वा सर्वान् एषा मम कृते अवसरः दत्ता तन्निमित्तं सर्वेषां धन्यवादः जय श्रीकृष्ण धन्यवादः हरि महोदय अति आभारः इसके बाद बहुत संक्षेप में डॉक्टर रविंद्र कुमार गुप्ता जी और फिर उसके बाद हम ज्ञापन की ओर चलेंगे डॉक्टर विनय सिंगल जी इस सारे विषय को कंक्लूड भी करेंगे और धन्यवाद ज्ञापन भी करेंगे आशुतोष जी जो वसुंधरा शर्मा जी ने कही थी बात उससे मैं बड़ा खुश हुआ और मैं ये चाहता हूँ कि कुछ लोग आप जो है ना उनका सही उच्चारण के साथ ऑडियो बनाकर भेज दीजिए हमें सभी को जी जी ताकि हमारे भी कुछ कल्याण हो जाए पहली बात दूसरी एक विद्यार्थी है खुशबू जो मनोविज्ञान में शायद कार्य कर रही है उनके लिए मैं कहना चाह रहा था कि यदि उनको भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक पक्ष पर कोई कार्य करना हो तो मेरे पास कुछ बुक्स हैं और वो यदि उनको हेल्प कर सके तो मेरे को बड़ी खुशी होगी उनके साथ शेयर करने की अपनी जो मेरे पास उपलब्ध है और अभी जी जी सर मुझे भी बहुत खुशी होगी सर अभी पांच मिनट पहले अभी अभी मेरे को बाई डाक एक पुस्तक मिली है एक मैगजीन तपोवन प्रसाद उसमें एक आर्टिकल है सर संस्कृत द ग्रैंड मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस रिटन बाय हेमंतनी भाटिया वो सिर्फ 90 साल आयु की हैं और उन्होंने अपने लेख में दो बड़ी अच्छी टिप्पणियां लिखी हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ इनके संस्कृत का ह्रास क्यों हुआ पहला तो वो है इन 1835 इज सपोज टू हैव प्रोक्लेम्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट दैट माइटी कंट्री ऑफ इंडिया वाज टू बी कॉन्कर्ड नॉट बाय वेपन्स एंड सोल्जर्स बट बाय कटिंग हर ऑफ फ्रॉम हर वेरी लैंग्वेज द सोर्स ऑफ आवर स्ट्रेंथ एंड ग्लोरी ये जो आज हम देख रहे हैं संस्कृत का हाल वो इसी कारण है सर और एक और ऑब्जर्वेशन मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ सर वो है यूएनओ की यूएनओ ने क्या कहा है When language is fed, so does the world's rich tapestry of cultural diversity, opportunities, traditions, memory, unique mode of thinking and expression, valuable resource for ensuring a better future are also lost. ये बहुत important है यूएनओ का और मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हमने संस्कृत को lost करके जो अपनी original thinking थी ना हमारी जिसका मैंने अपने शुरू में बोला भी था संविधान सभा की डिबेट्स में भी वो आया है तो कहीं ना कहीं इस चीज की ओर हमें देखना होगा और मैं ये चाहूंगा कि ये जितने भी हमारे प्राध्यापक बंधु हैं कम से कम वो अपनी क्लास के अलावा अपने जो स्टाफ रूम में बैठते हैं वहां पर कभी ना कभी इस तरह का डिस्कशन जरूर करें ताकि संस्कृत की इम्पोर्टेंस हम सबको भी पता चले धन्यवाद जी धन्यवाद सर तो बहुत सारी बातें हुई हैं आज और हालांकि हमारे साथ डॉक्टर दिनेश शास्त्री जी ने जुड़ना था जो कि निदेशक हैं हरियाणा संस्कृत अकादमी के लेकिन किसी अपरिहार्य कारणों से वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाए तो अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ इस सत्र की कन्वीनर के साथ
से डॉक्टर विनय सिंघल जी से कि वो अपनी बात भी रखें और सभी का आभार भी व्यक्त करें, और उसके बाद हम सभी इस सारे विषय को समाप्त करेंगे। और जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म प्लीज आप लोग भर दीजिए, मैडम अक्षी ने उसको शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ तो चैट बॉक्स में, तो आप उसको भर दीजिए। जी डॉक्टर विनय सिंघल, अनम्यूट करें मैम। जी सर, जी सर, नमस्कार सर जी, और सभी विद्वत जनों को यथा योग्य बहुत बहुत चरण वंदना प्रणाम। हम सब आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर के बैठे हुए हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार इस समय संस्कृत विषय के क्या स्थान और क्या क्या संभावनाएं हैं, और स्थान और संभावनाओं के अंदर कितनी चुनौतियां हैं, ये आज हमें सब विद्वत जनों से सुनने को मिला। डॉक्टर आशुतोष जी से मैं विशेष बात कहना चाहूँगी कि आज क्योंकि हम लोग अभी कक्षा का पहला दिन था आज, और बहुत सारे टीचर्स से मैंने बात की तो कहने लगे कि आज पहला दिन है, दूसरा दिन है नए बच्चों के साथ और आज हम क्लास नहीं छोड़ पाएंगे, तो संभवतः सभी जुड़ना चाहते थे और वो नहीं जुड़ पाए हैं, जो हम लोग बातें और भी रख सकते हैं। जो मुख्य विषय सर, मैं डॉक्टर आशुतोष जी के प्रति बहुत बहुत हृदय से आभार भी अभिव्यक्त करूँगी कि उन्होंने सारा समय दे करके इतना कुछ तैयारी की, और एक छोटी सी इच्छा मन के अंदर हुई थी कि सर ऐसा कुछ किया जाए और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे लिए तैयार किया है, और इसके लिए हम उनके हृदय से आभारी भी हैं। सर मैं ये बात कहना चाह रही थी कि हम लोग नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बात तो कर रहे हैं, एक तो संस्कृत का स्थान महाविद्यालयों में से कुछ तो था ही नहीं, हम लोग मेंटेन करने की कोशिश भी करते हैं, उसे स्थापित करने की कोशिश भी करते हैं, फिर भी ऐसे एक कह सकेंगे कि हम एक नकारात्मक भाव हमारे प्रति दिखाई देता है, जैसे 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 हम कहें कि क्या अछूत सा व्यवहार हमारे साथ हो रहा है इस समय, और अपने आप को स्थापित करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रयत्न करने पड़ते हैं। और इस समय में अगर हम ये कहें कि बच्चे संस्कृत में एमए कर लें या कुछ कर लें और उनके प्रति रोजगार के क्या क्या अवसर रहेंगे, इस समय कोई दिखाई नहीं दे रहा है, और जो रोजगार जिनके पास है या नए बच्चे सिलेक्टेड हैं उनका क्या संभावनाएं हैं, क्या उनके वर्क लोड के पीरियड बन रहे हैं, इसमें भी एक बहुत सारे संशय हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हालांकि 5+3+3+4 का जो ये दिया गया है एक फॉर्मूला, जहाँ पे 5 साल भी आपने मातृभाषा पढ़नी है, 3 साल संस्कृत कंपलसरी पढ़नी है, फिर अगले 3 साल फिर एक विषय के रूप में पढ़ सकते हैं, तो ऐसा क्या लागू हो सकता है, नंबर एक। नंबर दो, क्या हम सभी सामर्थ्य रखते हैं कि हम इसे प्रैक्टिकली लागू कर सकें, क्योंकि सभी लोग मजाक उड़ाते हैं कि ये एक पुरानी बातें हैं कि संस्कृत भाषा में कुछ है, कोई विज्ञान है, कोई व्यवहारिक ज्ञान है, कोई मनोविज्ञान है, कोई जो जो भी हम बात करते हैं, कोई भूगोल शास्त्र की चाहे गणित की चाहे कुछ भी, क्योंकि ये भी बात सभी ने कही, चाहे डॉक्टर सुमन थी, डॉक्टर रामचंद्र जी थे, डॉक्टर अविनाश थे, डॉक्टर सी के झा थे, डॉक्टर ज्योति थी, डॉक्टर लवलीन थी, हमारे जितने स्टूडेंट्स आए, जितने सभी के अंदर एक जैसे छिपा हुआ एक अंदर द्वंद्व था कि हम लोग वो क्यों प्रकट नहीं करते हैं, क्यों हम उसे प्रैक्टिकली नहीं लागू करते हैं, क्यों संस्कृत के लिए एक लैंग्वेज लैब हम इसलिए प्रयोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारा आधिकारिक क्षेत्र वो नहीं दिया गया है, इंग्लिश वालों के लिए अगर फंक्शनल लैंग्वेज के लैब के लिए उन्हें पीरियड दिए गए हैं, हमें नहीं दिए गए हैं, तो हम आधिकारिक रूप से जाकर के उस लैब को प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ये एक तो सत्य है। और इस समय जो निरंतर गिरती हुई विद्यार्थियों की संख्या है, कुछ तो गिर रही है और कुछ गिराई जा रही है, और कुछ हम भी गिर रहे हैं कि हाँ 30 जरूरी है, हाँ 30 जरूरी, तो वहाँ पे भी हम लोग अपने आप को बहुत सर नीचे पर बहुत अनुभव कर रहे हैं, हमें कैसे उठना है ये हमें अपने आप को उठाना है, इसमें हमें किसी की ओर नहीं देखना है, हमें अपनी ओर देखना है कि हम क्या अपनी भाषा के लिए कर रहे हैं, और सभी एकत्रित होकर के हम लोग थोड़ा सा जिम्मेवारी इस चीज के लिए कि हम क्या करें अपने पक्ष के। डॉक्टर आशुतोष जी ने कई बार सिलेबस बना करके भेजा, क्योंकि हम लोग साथ नहीं खड़े होते, हम लोग जाकर के शोर नहीं करते, अब हम अखाड़ों में शास्त्र को छोड़ करके शस्त्र की ओर बढ़ें, कुछ लोग थोड़ा सा और कार्य करें ताकि हम इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को, अगर ये सच में ही संस्कृत के पक्ष में है, तो इसे लागू करने में हम
क्षणिक देर न कर सकें, क्योंकि जो डॉक्टर साहब ने लिखा कि यूटिलिटी, रेलेवेंस और अप्लाइड संस्कृत और मीनिंगफुल संस्कृत शुड बी देयर, और ये कैसे हो, इसके लिए कैसे हम लिंग्विस्टिक स्लैब बनाएं या हम जो भी करें, एक रिच संस्कृत का जो फॉर्मूला नई राष्ट्रीय संस्कृत में दिया गया है कि कोडिंग भी सिखाई जाए, कंप्यूटेशनल संस्कृत जरूर सिखाई जाए बच्चों को सिक्स क्लास से, तो उसको हम कैसे लागू करवाएं, ये हमें ही देखना होगा और सब मिलकर इसके लिए कार्य करें। इसके लिए जो आज सभी विद्वत जनों ने, जो डॉक्टर आर के गुप्ता जी, डॉक्टर सुमन, डॉक्टर रामचंद्र जी, डॉक्टर अविनाश जी, डॉक्टर सी के झा, डॉक्टर ज्योति, डॉक्टर लवलीन, हरिदेव जी और जितने हमारे विद्यार्थीगण जुड़े, सुमित्रा थी, खुशबू जी थी, वसुंधरा शर्मा थी, सभी विद्यार्थियों ने भी अपने विचार रखे और डॉक्टर आर के गुप्ता जी बार बार जो संस्कृत के प्रति अपना पूर्ण प्रेम दिखाते हैं, हमें बड़ा सुकून देता है। इन सब का हृदय से अभी हम आभार करते हैं। कुछ मित्र अपने और भी बहुत बहुत करने होंगे। डॉक्टर आशुतोष जी का बार बार हृदय से अत्यंत अत्यंत आभार इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए। इसी के साथ अपने धन्यवाद धन्यवाद। हमारे साथ यूएसए से डॉक्टर बीवी शास्त्री जी, जो कि योग संस्कृत यूनिवर्सिटी से फ्लोरिडा से हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आई रिक्वेस्ट हिम टू मेक सम कमेंट्स अबाउट ऑल दिस। मेरे से वो पहले छूट गया था, ध्यान नहीं रहा उनका नाम और मुझे दिखाई भी नहीं दिया था। तो आई इन्वाइट यू टू सर शेयर योर व्यूज विद अस, डॉक्टर बी वी शास्त्री जी। नमस्कार आशुतोष जी, राइट नाउ आई एम इन बैंगलोर। नमस्कार नमस्कार। ओके, आपका ये वेबिनार जो हुआ, ये संगोष्ठी जो हुआ, उसे मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ कि संस्कृत हमारे लिए क्या है, कैसे पढ़ाना है, कैसे आगे बढ़ाना है। I have been in the field of tradition, Sanskrit and other things for 40 years and I am a technologist. You have been talking about this language lab, which I very much appreciate. Now, there are a few questions that I want to highlight for you to think over. Okay. One is, should we limit our thinking of Sanskrit to be taught in the government syllabus framed, you know, backward looking, 30 years teach only Abhijnan Shakuntalam 25 times, that model? Or should we limit Sanskrit teaching to Vedic Shastra, Panini, okay, Sutrapat, that kind of a thing? Or should we introduce new modifications which work? I focus only on one issue in this particular case. How do I say Sanskrit is useful for an American or a Chinese or a Spanish person? Why should they learn? How should I teach them? For what benefit? For how long? One answer that came to my rescue, and it was endorsed from all these discussions, is show them the relevance and the application. Sanskrit ka padhne ki jo upayog hai, uska prayog jo hai, uski arthakarita jo hai, usko dikhao, usko uska bodhan karo, tab iska mahatv sare duniya mein phail jayega. Where we are putting right now our energy is at the high end, what you call in the bell graph, the other end, which is 95% plus side, Sanskrit for AI, Sanskrit for advanced thinking, Veda for cancer research, yoga for some other, this one, that is 95 plus end. And we are ignoring almost the major main portion of the bell graph in society. Sanskrita Samajikam is absolutely missing. And this is what I want to bring
a language handwritten as Uchcharita, Bhashita. So this is not given the right kind of attention right from the early stages up to high school. That is, till 16 years, the child does not learn Sanskritam either as Matrubhasha or Gruha Bhasha or Sambhashana Bhasha or Vyavaharika Bhasha. So what we are teaching Sanskrit today in Sambhashana Shibiras is Vyavaharika Sanskritam, conversational Sanskrit. Becoming a foreign language in its own native country. We don't have to teach Sanskrit as a foreign language beyond nation. Sanskrit is being taught as a foreign language within our own country. This is the sad part where we have got to bring in. The numbers will come over here. So I have shared with you one particular invention, a keyboard, which will help us to teach Sanskrit Sanganakam as Sanskritam भारतीय भाषा लिप्यक्षर माध्यमेन भाषा प्रयोगशालासु कथम उपयोगः कर्तुं शक्यते. दिस इज व्हाट आई हैव शेयर्ड. द नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड कानादा. कानाद महर्षि के गौरव में उनका अभिमान से ये किया गया है. एंड दिस इज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया कवर्ड बाय अ यूएस एंड इंडियन पेटेंट. तो इसकी महत्ता जो है, वी डोंट हैव टू टाइप भारत as BHARAT, Mumbai as MUMBAI, Pune as PU, capital N, lower N, A, like that. This is Kyoto Harvard Convention, all that anglicized model. We can key in the Shabda, Swamrupam Shabdasya Sangna, Tadashishyam Sangna Pramanatvat, as Panini says, the Shuddha Lipyakshara of all Bharatiya Bhashas from the additional keyboard on all standard devices which are Unicode compliant. And this can be a part of this Sanskrit Sambhashan movement. So we teach Sanskrit Sanganakam along with Sanskrit Sambhashan. This is Sanskrit Samajika. So this is where I look forward for all your support. Put up a Sanskrit Bhasha Prayogshala, Sanskrit Language Lab, in all schools, headed by the Sanskrit teacher. This will help them to teach Shuddha Lipi, Shuddha Bhasha Uchcharan, and then it will open up a whole new world of searching the archives, Sanskrit wikis, the blogs and social media and every other thing. Right now, hamari jo paav hai, lipi jo hai, wo anglakshar ban gaya hai. सिर तो अभी संस्कृत में है, फिर वो कब चले जाएगा मालूम नहीं. सो वी जस्ट टेक द एसेंस ऑफ दैट एंड से वी डोंट रिक्वायर इट, वी हैव द ट्रांसलेशन. सो ये हम मेरे दो शब्द है. थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड शेयरिंग ऑफ दिस. दिस आई फाउंड इट एक्सट्रीमली यूजफुल एंड इट इज हाई टाइम वी ब्रिंग दिस एज ए पार्ट ऑफ द एनईपी इम्प्लीमेंटेशन. एंड संस्कृत भारती, वी आर फ्रेंड्स ऑफ सम. आई हैव बीन with Chanakya Shastri ji from the time he started Ayan Deepaha in National College grounds in Bangalore. We have been into that particular thing. Janardhan Hegde Mohadiyaha, Ham Janami, all these teams. But the point is, I have picked up the Sanskrit Sanganak part as my passion and brought it to you at this stage. Okay. That's wonderful, sir. That's really wonderful. Okay. And Sanskrit Samajik concept is beautiful. And we'll take note of your suggestions, and we will include when we make a presentation on this. Yeah, so this is the keyboard, okay. If you can see what we have manufactured, and it is a USB compliant. It can be connected to computers, and it doesn't cost too much. This is actually a no software, it's a hardware solution. It will live for 100 years. Okay. So that's one. So you can share your address so that we can send our inquiries and our orders for this keyboard also, so that we may use in our language lab and other devices too. Yeah, I have put my email in the chat box.
you have it, and you have my phone number, we can interact on that subject. Okay? That's wonderful, sir. Okay. And thank you for your this beautiful and meaningful comments and giving us some more clear direction for this. The syllabus is which we need to bring a more clear-cut syllabus changes in the syllabus. So thank you, sir. Thank you so much. We will be in touch with you, and we'll seek more guidance and guidance from you on this issue. Certainly. Thank you. So, इन सब शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद. आप सभी लोगों ने इसमें सहयोग किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम जब इस सारी प्रेजेंटेशन को यूनिवर्सिटी भेजेंगे और संस्कृत अकादमी को भी भेजेंगे प्रपोजल के साथ, तो हो सकता है वो लोग इसमें परिवर्तन लाएं और कुछ ना कुछ नया हो पाए. और हो सकता है भविष्य में जो इतना लंबा हम लोगों ने संघर्ष किया, इतनी लंबी इच्छा थी कि इसको हम थ्योरी और प्रैक्टिकल में परिवर्तित करें, तो वो हो सकता है कि निकट भविष्य में वो हो जाए. और डॉक्टर सी के झा जी साथ ही हैं, उनका सहयोग हमारे साथ रहेगा ही, और वो इस बात को प्रस्तुत करेंगे. मैडम विनय जी हैं और सभी लोग हैं, और निकट भविष्य में हम वैदिक मैथमेटिक्स के ऊपर एक दिवसीय जो है वो वेबिनार करने जा रहे हैं. डॉक्टर रामचंद्र दियो जी जो वैदिक मैथमेटिक्स और मॉडर्न मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर देंगे, बहुत जल्दी उसकी आपकी सूचना देंगे. और इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, अपने सुझाव देने के लिए. थैंक यू एवरीवन. और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा, प्लीज आप लोग फॉर्म भर दीजिए एंड कैन लीव द मीटिंग. सर थैंक यू, धन्यवाद. जय जगन्नाथ. अगले सैटरडे हम कर पाएंगे क्या? हाँ जी जी, बिल्कुल कर लेंगे सर. अगले सैटरडे बिल्कुल कर लेंगे. हाँ, आप मुझे हाँ एड्रेस तो आपने मुझे ऑफिशियल दे ही दिया है, मेरा ख्याल भेजा है आपने शायद. हाँ, जी 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 जी, मैं आपको चर्चा कर लूंगा. जी हाँ जी, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ. तो धन्यवाद. मैडम मीनाक्षी, आप इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं. मैडम मीनाक्षी, जी जी बंद कर दीजिए प्लीज. मैडम विनय, धन्यवाद.